के फ्रैंकलिन के बच्चे को क्या लगता है उसने हमारे गॉडज़िला को हरा के बहुत बड़ा तोप मार लिया, पर शायद उसे पता नहीं है पिछली बार जो गॉडज़िला उसके सामने गया था वो काफी कमजोर था और इस बार जो गॉडज़िला उसके सामने आएगा वो पिछली बार से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। अले पेनीवाइज़, तुम गॉडज़िला को कितना भी ताकतवर बना लो वो फ्रैंकलिन का बच्चा किसी ना किसी को तो ले ही आता है उसे हलाने के लिए। हाँ, उसने हमारे फायर गॉडज़िला को किंग कॉन्ग की मदद से हराया था और ड्रैगन गॉडज़िला को आइस गॉडज़िला की मदद से। आइस गॉडज़िला फ्रैंकलिन से बहुत दूर है, जब तक वो आइस गॉडज़िला के पास पहुंचेगा मारा जाएगा और किंग कॉन्ग की टेंशन तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है। अले क्या जरूरत नहीं है, तुम हलबल रहते ही बोलते हो। हाँ, और फिर हमें भी मार खानी पड़ती है। तुम तो एक काम चलो, हम तो एक एग्रीमेंट साइन करवा लो कि अगर तुम हाल दे तो माल थाने की जिम्मेदारी थी तुम्हारी होती, उसमें हमारा तो ही पाती थी पेतन नहीं है। पहले मेरे फायर गॉडज़िला से मिल लो, उसके बाद तुम हारने की बात करोगे भी नहीं। अरे ये तो उड़ने लग गया। अले त्या मत तितली देता दिख रहा है ना। अबे गधे, ये तुझे तितली दिखती है? ये फ्लाइंग फायर गॉडज़िला है। ओ तो तुम इतकी बात कर लेते क्या? हाँ, ये पिछली बार से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, पर वो किंग कॉन्ग का बच्चा इसे हरा सकता है। जब तक किंग कॉन्ग इससे निपटेगा मैं अपना दूसरा दाव खेल चुका होऊंगा। दूसरा दाव? और वो क्या है? रुको बताता हूँ। फायर गॉडज़िला तुम जाओ और फ्रैंकलिन को मसल के रख देना। जी मालिक। और तुम दोनों मेरे साथ चलो। अरे फ्रैंकलिन भैया, बहुत तेज भूख लग रही है। गाइस यार, भूख तो मेरे को भी लगी है। शिनचैन चल जाके फटाफट से कुछ बना लेते, वैसे भी तो लंच का टाइम हो गया है। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी करना, मेरे तो पेट में चूहों ने दो टीम बना के कबड्डी भी खेलना शुरू कर दिया है। गाइस यार, रसोई पे तो कुछ भी नहीं है। अरे फ्रैंकलिन भैया, हमारा तो फ्रिज भी खाली है। भाई साहब यार, अब क्या खाएंगे शिनचैन? अरे फ्रैंकलिन भैया, ये टेबल पे फ्रूट रखे ना वो खा लेते हैं। शिनचैन ये सारे के सारे नकली है, ये तो खाली मैंने टेबल सजाने के लिए लाए थे। अरे फ्रैंकलिन भैया कुछ करो ना, इससे पहले कि मेरे पेट के चूहे भी मर जाए। अरे फ्रैंकलिन भैया जरा इधर तो आओ। बोल चौप, अभी तेरे को क्या हो गया? अरे आपको भूख लगी है ना? अरे चौप, भूख तो मुझे भी लगी है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जरा मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ है। क्या बात कर रहा है, सच्ची में? अरे हाँ, आओ तो सही, तुम दोनों का पेट भर जाएगा। ऐसा भी क्या है भाई साहब तेरे पास? अरे ये रहा, खुद ही देख लो। चौप तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तू टट्टी खिलाएगा हमें? अरे ये टट्टी नहीं है, ये तो चमनप्रास है। चमनप्रास? एक काम क्यों नहीं करता, तेरा चमनप्रास तू ही खा ले। अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे चमनप्रास की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो पहले से काफी ज्यादा तंदुरुस्त हूँ। अरे चौप, हमको भूख लगी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे यार शिनचैन, मैं तो मस्ती कर रहा था। अबे तेरी ये मस्ती कितनी ज्यादा भारी पड़ती है पता है मुझे? साफ करते करते हाथ दुखने आ जाते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, इसको छोड़ो ना, पहले मुझे भूख लगी है, उसका कुछ करो। गाइस यार, भूख के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। शिनचैन एक काम कर, चल मेरे साथ। अरे फ्रैंकलिन भैया, हम जाकर पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बाहर जाके कुछ खाएंगे, उसके बाद घर के लिए थोड़ी बहुत सब्जियां भी ले आएंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया, हम बहुत सारी चोको चिप भी लेंगे। अच्छा ठीक है, ले लियो, पर एक शर्त पे, तू चौप के साथ नहीं बांटेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं इसको देता नहीं हूँ, वो तो खुद ही ले लेता है। अबे उसके लिए मैं इतना महंगा डॉग फूड लाता तो हूँ। अरे वो तो इसका 2 दिन में नहीं चलता। और तो उसको कोई काम है, महीने भर का खाओ और महीने भर का निकाल भी लो। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, ये बात तो है। मुझे तो लगता है ना गाइस, किसी दिन उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा, सबसे ज्यादा हगने वाला कुत्ता। अरे फ्रैंकलिन भैया, फिर तो हमारे चौप को देखने के लिए घर के बाहर लंबी लाइन लगेगी। अब शिनचैन पागल है क्या? चौप की टट्टी देखने थोड़ी ना आएंगे लोग। अले पेनीवाइज़, ये क्या है? ये एक रोबोट गॉडज़िला है और ये बस तैयार होने ही वाला है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। ये दिख नहीं रहा, ये खतरनाक है। अले पल, ये तब तक तैयार होगा? रुको, मैं अभी जाके इंजीनियर से पूछ के आता हूँ। बोलो साहब जी, इस गॉडज़िला को तैयार होने में और कितना टाइम जाएगा? बस इसके इंजन का थोड़ा काम बाकी है, फिर कुछ घंटों में ये गॉडज़िला आपको मिल जाएगा। अपने हाथ थोड़े फास्ट फास्ट चलाओ, ये गॉडज़िला मुझे किसी भी हालत में चाहिए। अरे सेठ जी, वो सब तो ठीक है, पर वो थोड़ा पेमेंट की बात करना था। अच्छा एक मिनट रुको, तुम्हें पेमेंट चाहिए, ये लो पेमेंट। अरे सेठ जी, मारते की हो, मैंने तो खाली पूछा था, मांगा थोड़ी था। अगली बार से पूछना भी मत। अब मैं देखता हूँ ये फ्रैंकलिन का बच्चा हमें कैसे हरा पाता है। अच्छा शिनचैन, एक बात तो बता, तू खाएगा क्या? फिर उस हिसाब से लेके चलूँ ना मैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं तो एक बर्गर खाऊंगा। अरे एक क्या, तू 2 खा लेना भाई, उसके बाद आइसक्रीम भी खाऊंगा। ठीक है चल, वो भी खा लेना बस, उसके बाद मैं एक पिज्जा भी खाऊंगा। अरे थम जा भाई, और उसके बाद पास्ता भी खाऊंगा। अबे सटिया तो नहीं गया, तू खाने जा रहा है कि होटल में वेटर का इंटरव्यू देने जा रहा है? अरे मैं तो खाने ही जा रहा हूँ। तो फिर तू मेरे को मेन्यू पढ़ के क्यों बता रहा है? अरे नहीं नहीं, ये सब तो मुझे खाना है। इतना सब नहीं दिलाने वाला मैं तेरे को, कोई भी एक चीज बोल। अरे ऐसा मत करो ना, इतने भी कंजूस बनते हो। अबे कंजूस नहीं बन रहा, इतने पैसे नहीं मेरे पास। तो फिर आप ही होटल में वेटर का इंटरव्यू क्यों नहीं दे देते? आपकी तो शक्ल भी वैसी है, जल्दी नौकरी मिल जाएगी। बकवास बंद कर अपनी तू। गाइस यार, मेरे को लग रहा है ना शिनचैन का भूख के मारे दिमाग खराब हो गया है। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये क्या आ गया सामने? गाइस यार, अब ये क्या मुसीबत है? अरे फ्रैंकलिन भैया, ये तो वो फायर गॉडज़िला लग रहा है। पर इसको तो अपन पहले भी हरा चुके हैं ना। गाइस जल्दी से जाके देखते जरा मामला क्या चल रहा है यहाँ पर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था फ्रैंकलिन। क्यों भाई, मेरे से ऑटोग्राफ चाहिए था क्या? जितना मजाक उड़ाना उड़ा ले।
वैसे भी तेरे जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं। देख भाई, एक तो मेरे को बहुत ज्यादा ही खतरनाक भूख लगी है, ऊपर से तू गलत टाइम पे आ रहा है और अब मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ही खराब हो रहा है। या तो यहाँ से चला जाए या तो भाई तेरी फायर तेरी ऐसी जगह से निकालूंगा ना, फिर मेरे को मत बोलना कि तू बाथरूम नहीं जा पा रहा। मुझे लगता है तेरी जिंदगी तुझे प्यारी नहीं है। गाइस यार बड़ा ही ढीठ है ये, तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। अरे फ्रैंकलिन भैया इसको बोलो ना आज टाइम नहीं है कल आना। अबे शिनचैन भिखारी थोड़ी है, वो अपने को मारने आया है। फ्रैंकलिन भैया मुझे तो लगता है आज अपन भूखे ही मर जाएंगे। गाइस यार ये तो उड़ने लग गया। अरे फ्रैंकलिन भैया जब ये पिछली बार आया था तब तो नहीं उड़ रहा था। क्योंकि पहले मेरे पास इतनी ज्यादा ताकतें नहीं थी और अब मैं महाशक्तिशाली बन चुका हूँ। गाइस यार नसीब ही खराब है, ये भी खाने के बाद नहीं आ सकता था। फ्रैंकलिन भैया कुछ तो करो, मुझे कुछ ना कुछ खाना है। गाइस यार खाए बगैर तो मैं भी नहीं मर रहा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अबे दिखाई नहीं दे रहा, मैं भाग रहा हूँ। हट, ऐसे कैसे भागोगे? फ्रैंकलिन भैया जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। शिनचैन गाड़ी तो स्टार्ट हो ही गई है, तू बस अपना सीट बेल्ट लगा ले। अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो मैंने कब का लगा लिया। गाइस यार बार बार बचे, ये तो सामने से हटने को तैयार नहीं था। फ्रैंकलिन भैया और तेज और तेज। अबे शिनचैन फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग थोड़ी ना चल रही है, अपनी गाड़ी है इतनी तेज चलेगी। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो बहुत ज्यादा ही नजदीक आ गया है। गाइस यार ये क्या मुसीबत है, टायर में भी आग लग गई। फ्रैंकलिन भैया जल्दी चलाओ नहीं तो पूरी गाड़ी जला देगा। रुक शिनचैन टोनी को फोन करता हूँ। बोलो फ्रैंकलिन क्या हो गया? अरे टोनी तुम हमारी लोकेशन का पता करके जल्दी से पहुंचो। अरे पर हुआ क्या है? अरे वो फायर गॉडज़िला नहीं था, वो हमारे पीछे पड़ गया है। अरे पर तुमने तो उसको हरा दिया था ना। हरा तो दिया था पर पता नहीं वापस कहाँ से आ गया और इस बार तो उड़ भी रहा है। क्या बात कर रहे हो, उड़ रहा है? अरे उड़ नहीं रहा है, बहुत तेज उड़ रहा है, वो भी हमारे पीछे उड़ रहा है। तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा ऐसी बात, रुको रुको मैं आया। अरे क्या बोला टोनी भैया ने? अरे टोनी थोड़ी देर में पहुंच रहा है। अरे उनके पहुंचने से पहले ये अपने पास ना पहुंच जाए। नहीं यार शिनचैन ध्यान से देख, अपनी थोड़ी दूरी मेंटेन हो गई है। अरे फ्रैंकलिन भैया बारिश के पानी की वजह से अपनी आग भी बुझ गई है। चलो भाई कुछ तो अच्छा हुआ। अरे फ्रैंकलिन भैया कुछ ही अच्छा हुआ है, पूरा अच्छा नहीं हुआ, ये अभी भी अपना पीछा कर रहा है। शिनचैन देखो देखो वो आ गया। अबे ये क्या करने लग गया तू? अरे आप जैसे डायलॉग मार रहे थे ना, मुझे लगा आपको बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत है। यार जान पर बनाई और तेरे को गाना गाना है। चलो यार गाइस फाइनली टोनी आ गया। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी गाड़ी से उतरो। तो गाइस गाड़ी से उतरते और जल्दी जाके बात करते हैं टोनी से। फ्रैंकलिन वो गॉडज़िला कहाँ पर है? अरे वो हमारे पीछे ही था, आने वाला होगा। अरे टोनी भैया आपको देख के मुझे राहत की सांस हुई। शिनचैन हुई नहीं, सांस आई बोलते उसको। अरे जो भी हो राहत तो हुई ना। टोनी यार हम लोग तो डर ही गए थे, बचाने वाला कोई आएगा भी या नहीं। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, तुम खतरे में हो और मैं ना हूँ। ये हो सकता था पर अगर शिनचैन तुम्हारे साथ नहीं होता। इसका मतलब शिनचैन ना हो तो तुम मुझे बचाने भी नहीं आओगे? अरे यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है भाई। अरे फ्रैंकलिन तुम तो बोल रहे थे वो गॉडज़िला उड़ रहा है। उड़ तो रहा था, ऊपर से आग भी छोड़ रहा था। मुझे लगता है पेनीवाइज ने उसमें पहले से बहुत ज्यादा ताकतें भर दी है। अरे टोनी भैया अब हम क्या करेंगे? तुम दोनों एक काम करो, जाके किंग कॉन्ग को बुला के आओ, तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। ऐसी बात है तो ठीक है, चल शिनचैन फटाफट। टोनी भैया अपना ख्याल रखना। अरे शिनचैन यार टेंशन मत ले। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं किंग कॉन्ग को बुलाने के लिए ताकि वो आके इस गॉडज़िला को हरा सके। अरे फ्रैंकलिन भैया हमें जल्दी करना होगा, पता नहीं टोनी भैया उसके सामने कितनी देर टिक पाएंगे। शिनचैन तू टेंशन मत ले, वो आयन मैंने थोड़ी देर तो संभाल ही लेगा। अरे आपको पता है ना ये गॉडज़िला कितने ज्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। यही तो टेंशन है बस। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे समुंदर का किनारा दिख गया है। तेरे को खाली किनारा दिखा, मेरे को तो सामने एक बोट भी दिख गई है। अरे पता नहीं किसकी बोट होगी वो। अरे जिसकी भी होगी अपना बनाने को टाइम लगेगा क्या? आप नहीं सुधरोगे ना एक नंबर के चोरी रहोगे। शिनचैन इमरजेंसी में सब जायज है। अरे फ्रैंकलिन भैया आपके साथ रह रहे के मैं भी बिगड़ गया हूँ। अबे तू बिगड़ा नहीं है, तू एक जिम्मेदार नागरिक बन गया, समझा? आपको पता है इसी जिम्मेदारी की वजह से लोगों को जेल जाना पड़ता है। एक तो तू ये लेक्चर देना बनकर मेरे को। अरे आपको क्या लगता है किंग कॉन्ग अभी भी वहीं पे होगा? और तो कहा जाएगा शिनचैन, वहाँ पे उसका घर है तो वहीं पे होगा ना। पता नहीं इस बार वो मदद करेगा भी या नहीं। अबे करेगा क्यों नहीं, तू बोलेगा तो पक्का करेगा। वैसे भी तो तेरी बंदरों के साथ इतनी बनती है, तभी तो आपके साथ रहता हूँ। मुंह बनकर अपना बकवास करता रहता, हाँ नहीं तो अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तारीफ नहीं हो रही तेरी यहाँ पे, समझा तू? अरे फ्रैंकलिन भैया तेज चलाओ ना, क्या टोनी कक्कर जैसा चला रहे हो? एक मिनट भाई, इसमें टोनी कक्कर कहाँ से आ गया? अरे मेरा मतलब था धीमे धीमे क्यों चला रहे हो? अबे ये सब तेरे दिमाग में आता कहाँ से है? अरे कुछ नहीं, वो तो बस कुदरत की देन है मुझ पे। कोई कुदरत की देन नहीं है, तू बहुत ज्यादा टीवी देखने लग गया, मुझे लगता है बंद करवानी पड़ेगी। अरे क्यों एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो? तेरा ये इमोशनल ड्रामा मेरे पे नहीं चलने वाला, समझा ना तू? अरे फ्रैंकलिन भैया देखो हम लोग पहुंच गए, किंग कॉन्ग तो यहीं पे खड़ा है। चलो यार गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए और अपने को ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये तो अपने को यहीं पे मिल गया। तो गाइस बोट को थोड़ी सी और पास लेके जाते और इसको यहीं पे पार्क कर देते। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी जल्दी उतरो। क्या बात है, किंग कॉन्ग से मिलने की इतनी खुशी? अरे हाँ वो भी तो मेरा दोस्त है ना। हाँ ये बात तो है, तो अपने दोस्त को फटाफट से समझा ताकि वो अपने साथ आ जाए। अरे आप टेंशन मत लो। अरे वाह शिनचैन आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे हमारा आना तो बोट से हुआ था। अरे वैसे नहीं, मतलब यहाँ पर क्यों आए हो? अरे हम तो तुमसे मिलने आए हैं, बहुत दिन हो गए थे ना मिले। अरे क्या बात कर रहे हो, सच्ची में? अरे एकदम सच्ची मुच्ची। शिनचैन ये क्या भरत मिलाप चालू है भाई, मुद्दे की बात करना। अरे किंग कॉन्ग तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा पेट बढ़ गया है? अरे हाँ वो आजकल मैं थोड़ा ज्यादा खाने लग गया हूँ ना। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम ज्यादा खाने लग गए हो और इस कालिए के साथ रह रहे मेरे तो
खाने के वांदे भी हो गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं लाऊं तुम्हारे लिए कुछ? अरे नहीं नहीं, हम लोग तो वेजिटेरियन है। फिर तो तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। शिनचैन तू ये कालिया किसको बोला? अरे आपको क्या लगता है हम दोनों में से कौन हो सकता है? तेरे को नहीं लगता तू बहुत ज्यादा बोलने लगे आजकल? और मैं तेरे को कब से बोल रहा हूँ कि मुद्दे की बात कर, तो तू खाने पीने की बात कर रहा है। अरे हाँ हाँ सॉरी सॉरी अभी बोलता हूँ। अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? अरे किंग कॉन्ग हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो तो जब तुम आए थे तभी मुझे पता चल गया था। तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम इतने दूर खाली मुझसे मिलने तो आओगे नहीं। अरे यार ऐसा नहीं है भाई। ये मस्का लगाना बंद करो और बोलो क्या काम है। अरे तुम्हें वो लास्ट टाइम वाला फायर गॉडज़िला याद है जिसको तुमने हराया था? वो वापस से आ गया है। क्या बात कर रहे हो, उसकी इतनी हिम्मत? अरे वो तो पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर बन के आया है। शिनचैन तुम टेंशन मत लो, उसको तो इस बार इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि अगली बार कभी लॉस सेंटोस में नहीं आएगा। किंग कॉन्ग पर अपने को अभी के अभी निकलना पड़ेगा। अरे हाँ किंग कॉन्ग हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो गॉडज़िला आयरन मैन को मार देगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, चलो अभी के अभी। चलो फ्रैंकलिन भैया हम भी जल्दी से जाके बोट में बैठते हैं। ठीक है चल शिनचैन आजा फटाफट। तो गाइस हम लोग फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं किंग कॉन्ग को लेके, बस होप करो कि आयरन मैन ठीक हो। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसा मत बोलो, मुझे टेंशन आता है। अरे शिनचैन तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, किंग कॉन्ग है ना अपने पास, अपन जाके आयरन मैन को बचा लेंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया किंग कॉन्ग पानी के अंदर कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। गाइस यार मैंने पहली बार इतने बड़े किंग कॉन्ग को पानी के अंदर तैरते हुए देखा है। अरे फ्रैंकलिन भैया कहीं इसके तैरने से बाढ़ ना आ जाए। शिनचैन बाढ़ तो नहीं आएगी पर थोड़ी बहुत लहरें उठेगी बस। गाइस बस कैसे भी करके फटाफट पहुंच जाए इससे पहले कि वो शहर को नुकसान पहुंचाए। अरे फ्रैंकलिन भैया अभी तक तो वो बड़ा भी हो गया होगा। शिनचैन बड़ा नहीं, बहुत बड़ा हो गया होगा अभी तक तो। अरे टोनी भैया हम लोग आ गए। और अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, इस गॉडज़िला को कंट्रोल करना तो मेरे बस के बाहर हो गया था। टोनी अभी डरने वाली कोई बात नहीं, अपने पास किंग कॉन्ग है। हाँ वो भी पहले से ज्यादा मोटा। अरे क्या बात कर रहे हो, विश्वास नहीं होता तो खुद ही देख लो। शिनचैन यार चिढ़ाना बनकर। अरे किंग कॉन्ग मैं तो मजाक कर रहा था। थोड़ा मजाक हमारे साथ भी कर लो। पेनीवाइज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर नजारे लेने आया हूँ। अबे भूतिया तू कुछ भी कर ले, तू हमें नहीं हरा पाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है ये गॉडज़िला पिछली बार से बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके शरीर में उबलते लावे को देख के तुम्हें पता चल ही गया होगा। इसके लावा को तो हमारा किंग कॉन्ग अभी ठंडा कर देगा। ध्यान रखना कहीं तुम्हारा किंग कॉन्ग ना उबलने लग जाए। अरे फ्रैंकलिन भैया आज तो ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। बच्चे जीतने वाला हमेशा कॉन्फिडेंस में ही होता है। एक मिनट भाई यार तू कभी जीता है? जीता नहीं हो तो क्या हुआ, जीत जाऊंगा, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। अरे किंग कॉन्ग तुम इस जोकर की बात मत सुनो, सीधा जाके उस गॉडज़िला को हरा दो। फायर गॉडज़िला इस किंग कॉन्ग की चटनी बना देना। जी मालिक। क्यूबे ज्वालामुखी लास्ट टाइम मार कम पड़ गई थी जो वापस खाने आया है। मैं खाने नहीं आया, मैं खिलाने आया हूँ। अबे ध्यान रख, ज्यादा जल गया तो इधर ही राख बन जाएगा, समझा ना तू। इस बार मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे जीतते हो। जैसे लास्ट टाइम जीता था। बहुत हंसी आ रही है ना तुमको, अभी बताता हूँ। तू आना कब से क्या बकवास कर रहा है। तो गाइस मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है और स्टार्टिंग में हमारा किंग कॉन्ग गॉडज़िला पे भारी पड़ चुका है। अरे वाह गाइस मजा ही आ गया। गाइस यार यहाँ पर मेरा अंदाजा थोड़ा सा गलत हो गया। देखा मेरे गॉडज़िला ने तुम्हारे किंग कॉन्ग को क्या उठा के पटका है। अरे किंग कॉन्ग तुम कर सकते हो। गाइस यहाँ पर पासा वापस से पलट गया और किंग कॉन्ग ने गॉडज़िला की गर्दन हाथ में पकड़ ली और क्या उठा के फेंका है। अरे वाह गाइस क्या बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। तुम कुछ भी कर लो इससे नहीं जीत पाओगे। गाइस मामला रोमांचक होते ही जा रहा है क्योंकि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। किंग कॉन्ग डटे रहना, हार मत मानना। इस बार तो ये गॉडज़िला गया मेरे हाथ से। गाइस मुझे लगता है कि किंग कॉन्ग थोड़ा ज्यादा गुस्से में आ चुका है। अरे वाह किंग कॉन्ग तुम तो कमाल कर रहे हो। ये ले गॉडज़िला, गॉडज़िला दिखा दो अपनी ताकत। गाइस यार ये किंग कॉन्ग कहां पर जा रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो अपना हथियार लेने गया हुआ था। गाइस किंग कॉन्ग के पास अपना हथियार आ चुका है और वो इस बार गॉडज़िला को नहीं छोड़ने वाला। गॉडज़िला इसे हथियार लेने मत देना। अरे वो तो बिना हथियार के भी तुम्हारे गॉडज़िला को उठा उठा के पटक रहा है। गाइस किंग कॉन्ग तो गॉडज़िला को मौका ही नहीं दे रहा है खड़ा होने का। फ्रैंकलिन भैया इसने तो अपना हथियार वापस से उठा लिया है, अब मजा आएगा। तुम्हें क्या लगता है एक हथियार से तुम ज्यादा ताकतवर हो जाओगे? किंग कॉन्ग तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे नहीं हरा पाओगे। गाइस किंग कॉन्ग के पास हथियार होने के बाद भी गॉडज़िला थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। रुक तुझे तो इतना मारूंगा कि तेरी नानी याद आ जाएगी, वो तो वक्त ही बताएगा। गाइस फाइट तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते जा रही है। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या जोर से पटका है इसको। उठो गॉडज़िला वापस से और मार दो इस बंदर को। गाइस यार गॉडज़िला तो वापस से उठ के लड़ने लग गया। किंग कॉन्ग इसे मारने में अपनी पूरी ताकत लगा दो। किंग कॉन्ग इसे नहीं छोड़ेगा। गाइस यार किंग कॉन्ग अपनी पूरी कोशिश कर रहा है पर गॉडज़िला बार बार बच के निकल जाता है। अरे फ्रैंकलिन भैया इस बार नहीं बच पाएगा, ये इसके हाथ में आ चुका है। गाइस यार क्या उठा के फेंका इसको। किंग कॉन्ग इसे अपने हथियार से मार दो, यही मौका है। गाइस किंग कॉन्ग ने अपना हथियार उठा लिया है। अरे फ्रैंकलिन भैया गॉडज़िला तो ऑलमोस्ट हार ही चुका है। आइस वाटर इंट्रो वीडियो नो कॉपीराइट। अले यार ये लोग कब फाइट करेंगे, अभी तो मैंने लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया है। मुझे लगता है तुमने लाइक किया इसलिए ऐसा हो रहा है। अले यार थाईलैंड है, या तो तुम अपने भोपूताप कलवा लो या तो फिर हतो ही मत, इतनी गंदी बात आते ना तुम्हारे मुँह से क्या बताऊँ। ये बास नहीं ये सुगंध है।
मुझे लग रहा है ना पक्का नीते कोई गलबल चल रही है। कोई प्रॉब्लम होगी तो पेनीवाइज हमें इशारा कर देगा। तुमको क्या लगा था तुम ऐसा करके मुझे रोक सकते हो? अरे पेनीवाइज थोड़ी देर बाद किंग कॉन्ग का भाई यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पेनीवाइज तुम तो जिंदा नहीं बचोगे। वो दूसरा बंदर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा जब किंग कॉन्ग और बिग कॉन्ग साथ में मिलेंगे ना तब तेरे टीन का डब्बा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो तभी होगा ना जब तुम्हारा बिग कॉन्ग यहाँ तक पहुँच पाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे बिग कॉन्ग को मैं यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दूंगा। अरे पेनीवाइज तुम कितने भी कोशिश कर लो पर याद रखना अच्छाई हमेशा जीतती है। अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो गन निकल रहा है। शिनचैन ये तो एक फ्लेयर लग रही है। बस इतना समझ लो कि मैं जंग का ऐलान कर रहा हूँ। अले ताइलन है ये देखो पेनीवाइज ने इताला कर दिया। मुझे लगता है यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। अबे तू करना क्या चाहता है? वो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अरे ये तो भाग गया। फ्रैंकलिन भैया मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। शिनचैन मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। फ्रैंकलिन भैया किंग कॉन्ग तो इसे रोकने के लिए चला गया है। गाइस यार किंग कॉन्ग की हालत तो वैसे भी बहुत ज्यादा खराब थी, पता नहीं ये इसे रोक भी पाएगा या नहीं। गाइस यार किंग कॉन्ग ऐसी हालत में भी मेका गॉडज़िला के साथ फाइट कर रहा है। किंग कॉन्ग के लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से कर दो। फ्रैंकलिन भैया मुझे किंग कॉन्ग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भाई साहब ये तो बहुत बुरी तरीके से मार रहा है किंग कॉन्ग को। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसा ही चलता रहा तो ये जिंदा नहीं बचेगा। शिनचैन यार ऐसा मत बोल, अपना किंग कॉन्ग संभाल लेगा। फ्रैंकलिन ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। गाइस यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। फ्रैंकलिन भैया पता नहीं वो पेनीवाइज का बच्चा कौन सी नई प्रॉब्लम खड़ी करेगा। उसने तो जीना हराम करके रखा हुआ है, हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे पर हम क्या करेंगे? अगर पेनीवाइज के पास बैकअप था तो हमारे पास भी होना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं, मुझे लग रहा तुम दोनों एक चीज भूल रहे हो। अरे टोनी भैया आप किस चीज की बात कर रहे हो? अरे गधों मैं आइस गॉडज़िला की बात कर रहा हूँ। अरे वो बहुत ज्यादा दूर है, जब तक हम उसको लेके आएंगे यहाँ पर किंग कॉन्ग की वाट लग जाएगी और हमें रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। अरे तब तक ये मेका गॉडज़िला किंग कॉन्ग को मार देगा। मैं यही पे रहकर किंग कॉन्ग की मदद करूंगा, तुम बस कैसे भी करके आइस गॉडज़िला तक पहुँचो। अरे मुझे लग रहा है टोनी भैया सही कह रहे हैं, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है तो फिर हम लोग निकलते, पर प्लीज यहाँ पर संभाल लेना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो चल शिनचैन फटाफट से चलते। शिनचैन अपने को अभी निकलना पड़ेगा इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। ठीक है फ्रैंकलिन भैया जल्दी जल्दी चलो। शिनचैन फटाफट से गाड़ी की तरफ आ जा। फ्रैंकलिन भैया मैं आ ही रहा हूँ। जल्दी आएगा शिनचैन, अपने को लेट हो रहा है। फ्रैंकलिन भैया बस पहुँच गया। गाइज हम लोग निकल तो चुके हैं आइस गॉडज़िला को लाने के लिए, बस दुआ करो कि तब तक किंग कॉन्ग हार ना माने। गाइज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज किंग कॉन्ग के लिए सब्सक्राइब कर दो। शिनचैन मुझे लगता है ना पेनीवाइज जिस हिसाब से बात कर रहा था ना वो पक्का कुछ बड़ा करने वाला है। फ्रैंकलिन भैया मुझे तो लगता है वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है। उसके प्लान को फेल करने के लिए ना अपने को आइस गॉडज़िला की सख्त जरूरत है। भगवान करे उसका प्लान कभी कामयाब ना हो। गाइज मुझे एक चीज का समझ नहीं आ रहा है, ये पेनीवाइज को पता कैसे चला कि किंग कॉन्ग का भाई भी आ सकता है? फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है उसे पता नहीं था पर उसने सोच के रखा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये पॉसिबल है, पता नहीं आइस गॉडज़िला भी क्या कर रहा होगा। शिनचैन वो अपनी माँ से मिलने गया तो उन्हीं के साथ होगा। वो तो वहाँ पर खुशियाँ मना रहा होगा, उसे क्या पता कितना बड़ा खतरा आने वाला है। उसे वहाँ से बुलाते हुए अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, पर अभी अपनी मजबूरी है। अले पेनीवाइज क्या हो गया, तुम वहाँ से वापस क्यों आ गए? हाँ हम तो ये लड़ाई जीतने ही वाले थे। मुझे तो लगा था मत फाइटिंग होगी और मैं देखूंगा। जंग तो शुरू हो चुकी है और वो जीतेंगे भी हम ही। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गई? किंग कॉन्ग का एक भाई भी है जो हमारे मेका गॉडज़िला को रोकने आ रहा है। अले ये तो गलबल हो जाएगी, वो दोनों तो मिलके हमारे गॉडज़िला की वाट लगा देंगे। मैंने तो पहले कहा था वो किसी न किसी को ले ही आएंगे। चिंता मत करो मेरे पास उसका भी प्लान है। अले तुम क्या करने वाले हो? हमें उस बिग कॉन्ग को हराने के लिए अपने एक साथी की जरूरत पड़ेगी। ताथी? कौन था ताथी? आओ चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुमको। अरे ये तुम हमें कहाँ पर लेके आ गए? यहाँ पर हमें ड्रैगन गॉडज़िला मिलेगा। अले पल मुझे तो कई पल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रैगन गॉडज़िला ऐसे ही किसी के सामने नहीं आ जाता, उसे बुलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो फिर जल्दी से करो ना। अले ताइलन है इसको तो देखो जला, इसने अपना नंगा नाच फिलते तुलू कर दिया। चुप हो जाओ, अगर इसने सुन लिया तो ये गुस्सा हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ नर्क के अंधेरे से मेरे सामने आओ। बाहर आओ ड्रैगन गॉडज़िला, बाहर आओ। अले ये क्या निकल रहा है पानी के अंदर से? ये तो किसी प्राचीन गुफा जैसा लग रहा है। अले दो भी है, बहुत डरावना है ये तो। अरे ये तो बहुत बड़ी गुफा है, ये एक ड्रैगन गॉडज़िला का घर है। पर ये पानी के अंदर क्या कर रहा था? ये पानी के अंदर नहीं नर्क के अंदर से आया है। बोलो पेनीवाइज तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे माफ कर देना तुम्हारी नींद खराब करने के लिए, पर हमें तुम्हारी जरूरत है।
ऐसी भी क्या समस्या आन पड़ी? हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें भी मौका मिल जाएगा उस फ्रैंकलिन से बदला लेने का। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किंग कॉन्ग के भाई को हराना पड़ेगा। आइसगॉड जिला से लड़ाई के बाद मेरे में ताकत नहीं रही। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हें ताकत दूंगा। अले थाईलैंड है, ये पेनीवाइज क्या कर रहा है? वो अपनी काली शक्तियों से गॉडजिला को ताकतवर बना रहा है। ए काली शक्तियों के देवता, मेरी पुकार सुनो। मुझे ताकत का ऐसा वरदान दो कि मैं इस गॉडजिला को महाशक्तिशाली बना सकूं। अले ये पेनीवाइज को क्या बोला है? मुझे लगता है शैतानी देवता ने इसकी बात सुन ली है। मुझे ताकत महसूस हो रही है। ए ड्रैगन गॉडजिला, काली शक्तियों के देवताओं की मदद से मैं तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करता हूँ। अच्छा पेनीवाइज दादू का नाम कॉम्प्लेन दादू है क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो स्लेंडरमैन? नहीं, वो इसका ताइत बला हो गया ना, इसलिए बोला मैंने। ऐसा इसका काली साइज बड़ा नहीं हुआ है, इसकी सारी शक्तियाँ इसे वापस मिल गई है। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ ड्रैगन गॉडजिला और वो बिग कॉन्ग को मजा चका दो। अभी जाता हूँ, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, बस डटे रहना किंग कॉन्ग। ये कौन है? मैं ड्रैगन गॉडजिला हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे पेनीवाइज ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, पर मेरी दुश्मनी जिसके साथ है तुम उसके दोस्त हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो मारे जाओगे। तुम शायद हमें जानते नहीं हो। वापस लौट जाओ नहीं तो तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। इसका मतलब तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाई है। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, पर मेरे बस में होता तो मैं उसे मार देता। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। एक बार बस मेरे हाथ में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बस का नहीं है मुझे हराना। तुम शायद हमारे कॉन्ग की ताकत नहीं जानते। वो तो उसकी हालत देख के मुझे अंदाजा लग गया है। कब तक बचोगे मेरे हाथ से? तुम तो गए। मुझे लगता है तुम्हें अभी तक मेरी पावर का पता नहीं चला। ये ले, ये भी ले, तू आज मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। ऐसी बात है तो ये ले, तेरी ये ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है। गॉडजिला की ताकत के सामने तुम कुछ नहीं। तुझे तो आज मैं जिंदा जमीन में डाल दूंगा, और उसके बाद जिसने तुझे भेजा है उसको भी नहीं छोड़ूंगा। वो तो तब होगा जब तू यहाँ से जिंदा जाएगा, और वो मेरे रहते तो कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ से तो मैं जाऊँगा वो भी जिंदा बचकर और तुझे मार के। ये तेरी गलतफहमी है, तेरी इस ताकत का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। ये ले, वो तो तेरी गलतफहमी है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम लोगों ने मेरे भाई को चोट पहुंचाई है, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। फ्रैंकलिन भैया, आपको क्या लगता है अभी तक बिग कॉन्ग पहुंच गया होगा? शिनचैन यार पता नहीं, पेनीवाइज उसी को तो रोकने गया है, बस होप करके वो उसमें सक्सेसफुल ना हो। काश बिग कॉन्ग पेनीवाइज को वहीं पे मार दे। फिलहाल तो मुझे किंग कॉन्ग और आयरन मैन की टेंशन हो रही है, पता नहीं वो उसको कितने देर रोक पाएंगे। शिनचैन एक मिनट, टोनी का ही फोन है। अरे क्या बात कर रहे हो फ्रैंकलिन भैया, जल्दी से उठाओ। हेलो फ्रैंकलिन। हाँ बोलो टोनी। तुम एक काम करो, आइस गॉडजिला से पहले मेरे घर पे जाओ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वहाँ पर से किसी को भी अपने साथ ले लो, आगे खतरा हो सकता है। अच्छा ठीक है, पर एक बात बताओ, वहाँ पर सिचुएशन कैसी है? बस इतना समझ लो कि हम कोशिश कर रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया उन्होंने क्या बोला? शिनचैन, टोनी ने बोला कि पहले अवेंजर के मेंशन पे जाके किसी को अपने साथ लेने के लिए। वो एकदम सही बोल रहे हैं, आगे कोई भी खतरा हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले जाते हैं अवेंजर के मेंशन पर, ताकि मदद के लिए अपने साथ कोई आ सके। अरे फ्रैंकलिन भैया हम बस पहुंचने ही वाले हैं। शिनचैन एक बात बता, अपने साथ किसको ले? फ्रैंकलिन भैया वो तो अंदर जाके ही डिसाइड करते हैं। ठीक है चल आजा, जल्दी से उतर। रुको रुको फ्रैंकलिन भैया, मैं भी आया। अरे क्या हुआ फ्रैंकलिन, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो तुम? थोर बात ही कुछ ऐसी हो गई है। अरे ऐसा भी क्या हो गया? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। आयरन मैन और किंग कॉन्ग बहुत बड़ी मुसीबत में है, अगर हमने जल्दी नहीं किया तो वो दोनों मारे जा सकते हैं। ये किसने किया? हल्क उसको नहीं छोड़ेगा। ये सब पेनीवाइज का किया कराया है, उसने एक रोबोट गॉडजिला बनाया है किंग कॉन्ग को मारने के लिए। अरे पर किंग कॉन्ग तो बहुत स्ट्रांग छे। हाँ पर मेका गॉडजिला से पहले पेनीवाइज ने फायर गॉडजिला भेजा ताकि किंग कॉन्ग एकदम से थक जाए। अब तो किंग कॉन्ग की बहुत बुरी हालत है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई है। आप लोगों में से हमारे साथ कोई चलो ना। हाँ पर जाना कहाँ पर है? हमें आइस गॉडजिला से मदद मांगने जाना है, जिसमें आपकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है थोर भैया, पर हमें जल्दी निकलना होगा। ठीक है फिर थोर और शिनचैन फटाफट से आ जाओ। हाँ फ्रैंकलिन मैं बस आ रहा हूँ। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दो, हमें जल्दी से वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। शिनचैन आ जा जल्दी बैठ। फ्रैंकलिन भैया हमें आइस गॉडजिला कहाँ पर मिलेगा? शिनचैन उसके लिए अपने को बहुत दूर जाना पड़ेगा, वो कहीं तो बर्फ के पहाड़ों में रहता है। अरे उसमें तो काफी देर लग सकती है, और पता नहीं आयरन मैन कब तक टिक पाएगा। अब कितना भी दूर अपने को जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वही अपनी आखिरी उम्मीद है। पता नहीं हम कब तक पहुँचेंगे।
लेंगे। गाइस यार ये मामला तो पेचीदा होते ही जा रहा है। फ्रैंकलिन भैया वो सामने क्या है? वो तो कुछ कैसल जैसा लग रहा है ना। अरे वो लग नहीं रहा है, वो कैसल ही है। मुझे लगता है आइस गॉडज़िला उसी के आसपास होगा कहीं पे। अरे फ्रैंकलिन भैया आपको पक्का तो पता है ना? एक काम करते हैं चलते हैं, वही जाके पता चलेगा अपने को। अरे यहाँ पे तो काफी ठंड है। ठंड तो लगेगी ना, तो गाड़ी के ऊपर जो खड़ा है। अरे क्या करूं, मुझे गाड़ी के ऊपर खड़ा रहना बहुत अच्छा लगता है। शिनचैन संभल के, रास्ता काफी उबड़ खबड़ है। अरे आप टेंशन मत लो, मुझे तो इसकी आदत है। गाइस यार मैं इससे पहले भी इस जगह पे आ चुका हूँ, पर ये जगह यहाँ पर नहीं थी, मतलब कि ये कैसल। फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है आइस गॉडज़िला ने ही इसे बनाया होगा। हाँ उसके सिवा तो ये काम यहाँ पर कर भी कौन सकता है। फ्रैंकलिन संभल के, गाड़ी फिसल के नीचे ना चली जाए। गाइस यार एक तो यहाँ पर गाड़ी बहुत ज्यादा ही फिसल रही है। फ्रैंकलिन भैया बस हम पहुँचने ही वाले है। गाइस बस थोड़ा सा बाकी रह गया और ये पर पहुँच गए। अरे ये रहा हमारा प्यारा सा आइस गॉडज़िला। शिनचैन जल्दी से जल्द इससे जाके बात कर लेते अपन, चलो चलो फटाफट। अरे फ्रैंकलिन भैया आप यहाँ कैसे? अरे आइस गॉडज़िला हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अरे क्या हो गया ऐसा? किंग कॉन्ग बहुत बड़े खतरे में है। वो एक मेका गॉडज़िला से लड़ रहा है जिससे वो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। मेका गॉडज़िला ये क्या होता है? अरे वो एक रोबोट गॉडज़िला है जिसको पेनीवाइज ने बनाया है। पेनीवाइज तो वही है ना जिसने मेरे भाइयों को अपने कब्जे में कर रखा है। अरे हाँ तुम एकदम सही समझे। ऐसी बात है तो चलो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे ये कैसल बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये मेरा नया घर है। वो सब ठीक है पर अपने को जल्दी से निकलना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ चलो। चल चिंचन फटाफट से आजा गाड़ी में। रुको फ्रैंकलिन हम दोनों जन आ रहे हैं। थोर भैया जल्दी से बैठो फिर मैं भी ऊपर बैठू। तो गाइस हम लोग फाइनली आइस गॉडज़िला के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। फ्रैंकलिन भैया अभी एकदम स्पीड में भगाना गाड़ी। चिंचन तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। तुम तो मेरे हाथ से नहीं बचोगे ड्रैगन गॉडज़िला, तुम तो गए। मैंने पहले कहा था मेरे रास्ते में मत आना। मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, चिंता मत करना। अरे ये क्या हो गया तुम्हारे किंग कॉन्ग को, इसकी तो हवा निकल गई। इतना खुश होने वाली कोई बात नहीं है पेनीवाइज, तुम अभी तक ये जंग पूरी तरीके से जीते नहीं हो। अले आयरन मैन मैं क्या बोलता हूँ, तुम अपनी आंखों का नंबल चेक करवा लो, तुमको पक्का चश्मा लग गया है। हाँ ध्यान से देखो, ये जंग तो हम कब की जीत चुके हैं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अले तोलो यार पेनीवाइज, इसको तो अपनी हाली बलदात नहीं होती। अभी भी वक्त है, मुझसे रहम की भीख मांगो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये तो मेरे मरने के बाद भी संभव नहीं है। हमारी टीम ज्वाइन कर लो, तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। अले पेनीवाइज फिर हम क्यों नहीं ले पाते? अरे मूर्ख चुप कर। अले तौली तौली हा? तुम नहीं बचोगे मेका गॉडज़िला, मेरा भाई आके तुम्हें मार देगा। तब तक तुम जिंदा बचोगे तो ना। इसे तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अरे भाई आप आ गए। तुम कौन हो? मैं बिग कॉन्ग हूँ। अरे अब ये कहाँ से आ गया? पेनीवाइज बिग कॉन्ग पहुँच चुका है, अब तुम क्या करोगे? कोई बात नहीं, मेरा मेका गॉडज़िला इसे भी संभाल लेगा। अले इसकी ताइत तो किंग कॉन्ग से भी बली है। पर ये जिंदा कैसे बच गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? वो तो जब मैं तुम्हें मारूंगा तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारे तो मैं टुकड़े टुकड़े करके भंगार में भेज दूंगा। तुम शायद जानते नहीं हो, मुझे प्रोग्राम ही मारने के लिए किया गया है। भाई से जिंदा मत छोड़ना, ये बहुत खतरनाक है। तुम टेंशन मत लो किंग कॉन्ग, हम दोनों मिलके इसके पुर्जे अलग कर देंगे। तुम्हारे भाई ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, अब तुम उसकी हालत देख सकते हो। तुम शायद हमें जानते नहीं हो, ये लो। तुझे तो इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है तुम पहले की मार भूल चुके हो। मुंह बंद कर अपना, ये ले। तुझे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसने मुझे बहुत मारा था। तुम दोनों आज मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। वाह गाइस क्या बात है, आखिर में अपनी टीम स्ट्रांग हो ही गई। मेका गॉडज़िला इन दोनों को खत्म कर दो। अरे कहाँ चला गया ये? भाई इसे उठने का मौका ही मत दो। उठाऊंगा तो मैं तुम दोनों को दुनिया से। तेरी तो मैं बहुत बुरी हालत करने वाला हूँ। तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गाइस यार क्या बात है, दोनों जन ने मिलकर तुम मेका गॉडज़िला की वाट ही लगा दी। इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। ये ले टीम के डब्बे, तू तो गया मेरे हाथ से। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। मेका गॉडज़िला अपनी पूरी ताकत लगा दो इन दोनों को हराने में। इसकी तो सारी ताकत मैं निकालूंगा। ये ले ये गया। भाई इसके सारे के सारे वायर उखाड़ डालो। इसका तो मैं सब कुछ उखाड़ दूंगा। अले पेनी भाई ये दोनों तो इस पे भाली पल्ले। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। ये ले तू ऐसे नहीं मानेगा। कम ऑन किंग कॉन्ग और बिग कॉन्ग इसे हरा दो। भाई इसे दोनों तरफ से घेर के मारते हैं। इसकी हालत तो वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है। वाह भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। तुम दोनों एक साथ आ रहे हो, हिम्मत है तो अलग अलग आओ। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? भाई लगता है इसकी तो वाट लग गई। अरे क्या हो गया पेनीवाइज, थोड़ी देर पहले तुम कुछ बोल रहे थे। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे एक मेका गॉडज़िला के सामने तुम्हारे दो दो कॉन्ग थे। अले मैंने तो पहले ही कहा था ये ताले के ताले तीतल है तीतल। ये बात तुम बोल रहे हो, जिसने फायर गॉडज़िला को पहले भेजा ताकि किंग कॉन्ग थक जाए, और उसके बाद कायरो की तरह पीछे से वार करके मेका गॉडज़िला को भेजा। इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक जंग बाकी है।
तुम हारने की कगार पर खड़े हो। अरे वाह क्या बात है टोनी, तुम तो बहुत जल्दी खुश हो गए। अले पेनीवाइज इसको अपनी ताकत का नमूना बता दो, तुम कहना क्या चाहते हो। लो खुद ही लाइव देख लो, एक काली शक्तियों के देवता मेरे मेका गॉडज़िला को महाशक्तिशाली बनाने का वरदान दो। इसे इतनी ताकत दो कि ये दुनिया पे राज कर सके। खड़ा हो जा मेका गॉडज़िला, खड़ा हो जा। अरे भाई ये तो वापस से खड़ा हो गया। तुमको क्या लगा था मैं इतने जल्दी मर जाऊंगा। ये तो पहले से बहुत बड़ा हो गया है। मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं खतरनाक हो गया हूँ। भाई अब हम क्या करेंगे। तू टेंशन मत ले छोटे, हम इसको भी हरा देंगे। तुम दोनों की तो मौत मेरे हाथों ही लिखी है। गाइज यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया है। इसमें से तो बिजली निकलते ही जा रही है, मुझे लगता है ये और ताकतवर होते जा रहा है। किंग कॉन्ग और बिग कॉन्ग संभाल के रहना, पता नहीं ये फ्रैंकलिन कहाँ पर रह गया है। गाइज यार पता नहीं वहाँ पर सिचुएशन कैसी होगी, बस कैसे भी करके फटाफट से पहुँच जाए। फ्रैंकलिन भैया जल्दी चलाओ, वहाँ पर सबको आइस गॉडज़िला की जरूरत होगी। क्या हुआ, डर क्यों रहे हो, मौत को सामने देख के तुम्हारा सारा जोश उतर गया। डरेगा तो तू जब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। भाई ये तो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। टेंशन मत ले भाई, हमने इससे पहले भी खतरनाक चीजों का सामना किया है। ये तुम्हारी गलत फहमी है जो मुझसे हारने के बाद दूर हो जाएगी। किंग कॉन्ग तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारा बदला मैं इससे लेकर रहूंगा। नहीं भाई मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जितना कहा है उतना कर, हम दोनों में से एक जन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आ जा मैदान में टीन के डब्बे तुझे बताता हूँ। आज तो तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। कॉन्ग डटे रहना, गाइस यार कॉन्ग तो काफी कमजोर दिख रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। तू खुद को जिंदा बचा ले, वही तेरे लिए काफी है। गाइस यार ये मेका गॉडज़िला तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब तुम्हारी कोई भी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है, तुम्हारी हालत तो इतने में ही खराब हो गई है, मुझे नहीं लगता तुम मुझसे लड़ने के काबिल हो। गाइस यार यहाँ तो मामला बिगड़ते ही जा रहा है, मुझे लगता है जब तक फ्रैंकलिन पहुंचेगा बहुत देर हो जाएगी, और बिग कॉन्ग भी मारा जा सकता है। फ्रैंकलिन के आने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है वो इसे हरा पाएगा भी या नहीं, मुझे कहीं से तो हेल्प लानी पड़ेगी। मैं इसे हरा के ही रहूंगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अब तो तुम्हारा हार मान के भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं तो तुम्हें मार के ही रहूंगा। आयरन मैन तुम जाके मदद लेके आओ, तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। कोशिश के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, जिंदा रहने की जितनी नाकामयाब कोशिश करनी है कर लो। गाइस यार बिग कॉन्ग को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं भी बाकी अवेंजर की टीम से जल्दी से मदद लेके आता हूँ। मुझे जल्दी से पहुंचना पड़ेगा इससे पहले कि काफी देर हो जाए। गाइस बस थोड़ी सी देर और उसके बाद मैं आइस गॉडज़िला को लेके किंग कॉन्ग के पास पहुंच जाऊंगा। उसके बाद बताते इस पेनीवाइज के बच्चे को। अरे पर इसमें पेनीवाइज के बच्चे का क्या कसूर। अरे शिनचैन फ्रैंकलिन का मतलब पेनीवाइज से ही था। अरे फ्रैंकलिन भैया ये आइस गॉडज़िला कहां पर गया, अभी तो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। अबे यार एक तो लॉस सैंटोस में इतनी सारी बिल्डिंग है और वो भी इतनी ऊंची ऊंची, मुझे लग रहा है ना इसके वजह से उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर वो पहुंच जाएगा। अरे ये कौन है और किंग कॉन्ग कहां पर गया। मुझे लगता है ना ये किंग कॉन्ग का बड़ा भाई बिग कॉन्ग है जिसके बारे में वो बात कर रहा था, तेरे को याद है। अरे आपको नहीं लगता ये रोबोट गॉडज़िला काफी बदला बदला सा लग रहा है। गाइस यार शिनचैन बोल तो ठीक रहा है, ये पहले से काफी लंबा भी लग रहा है मुझे। पता नहीं गाइस अपने जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ है। ये पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। भलोता नहीं बोला ना, तो पीते मुल के देख लो अपने बिग कॉन्ग की हालत। हाँ एक भाई तो भाग चुका है और कुछ ही देर में इसका भी काम तमाम हो जाएगा। सच सच बता दे तूने किंग कॉन्ग के साथ क्या किया है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, पर अच्छा हुआ वो भाग गया, नहीं तो कुत्ते की मौत मरता। अरे ये टोनी भैया अभी कहाँ पर चले गए। कौन वो कायर, वो तो अपनी मौत को देख के भाग गया यहाँ से। मुझे तो लगता है वो किसी कोने में जाके रो रहा होगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नहीं भाग सकते। ऐसा कि वो लंगला है क्या। अरे नहीं मेरा मतलब वो बहुत बहादुर है। अत्ता तो मेरे को एक बात बता, वो यहाँ से तू करने गया क्या। आयरन मैन तो मूर्ख था, मैं तुम्हें मौका देता हूँ मेरे साथ मिल जाओ, दुनिया पे मिल के राज करेंगे। अबे वो सस्ते जोकर ये तो तू भूल ही जा के तू जीतने भी वाला है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे रहते हुए कोई नहीं मरेगा। अले अले ये कहाँ से आ गया। वाह क्या बात है, आइस गॉडज़िला आ गया। अच्छा हुआ तुम हमें यहीं पे मिल गए, हमें तुम्हें मारने के लिए ढूंढना नहीं पड़ा। अरे पेनीवाइज अब तुम नहीं बच पाओगे, हमारा आइस गॉडज़िला तुम्हारे रोबोट गॉडज़िला की बैंड बजा देगा। ये तो तुम्हारी गलतफहमी है बच्चे। गाइस बस एक बार ये सब खत्म हो जाए ना, फिर इस पेनीवाइज के बच्चे को उल्टा लटका लटका के मारूंगा। वो
तो देखा जाएगा कौन किसको मारता है। आइस गॉडज़िला इसको मजा चखा दो। नहीं आइस गॉडज़िला, तुम इसको कुछ नहीं करोगे, ये मेरा शिकार है। अरे पर तुम ऐसी हालत के साथ इससे कैसे लड़ोगे? मुझे मेरे भाई का बदला लेना है। गाइस यार ये क्या धर्म संकट आ गया अभी? मेरे पास एक रास्ता है। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं अपनी सारी पावर भी कॉन्ग को दे देता हूँ। तुम ऐसा भी कर सकते हो? हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर इससे मेरी जान को खतरा है। अरे इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? अभी आइस गॉडज़िला क्या करने लग गया? फ्रैंकलिन भैया जरा बिग कॉन्ग को तो देखो। गाइस यार अपना बिग कॉन्ग तो वाकई में बिग हो गया है। अरे वाह ये तो मेका गॉडज़िला से भी बड़ा हो गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गाइस यार बिग कॉन्ग को पावर देने के चक्कर में अपने आइस गॉडज़िला की तो हालत ही खराब हो गई है। अरे ये इसने कैसे किया? टेंशन की कोई बात नहीं है साइरन हेड, बड़ा हो जाने से इसमें ताकत नहीं आ जाएगी। अरे ये मौसम को क्या हो गया? शिनचैन मुझे लगता है आइस गॉडज़िला की पावर और किंग कॉन्ग के गुस्से की वजह से ऐसा हो रहा है। कहाँ पर है सामने आकायर? ये मैं आ गया। तू तो मेरे हाथ से बचेगा नहीं, ये ले। गाइस यार बिग कॉन्ग ने क्या उठा के फेंका है मेका गॉडज़िला को? फ्रैंकलिन भैया कमाल ही हो गया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गाइस इस बार तो अपना बिग कॉन्ग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं भी देखता हूँ ये मेका गॉडज़िला कैसे जीतता है। मेका गॉडज़िला दिखा दो इन सबको, अभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत है। अले पेनी भाई दिए क्या बोला अपने मेका गॉडज़िला को? ऐसा लग रहा है जैसे इसके सामने इसकी कोई पावर नहीं चल रही। गाइस क्या बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। इधर आ, तूने मेरे भाई को सताया था ना, तुझे इतना मारूंगा कि कोई रिपेयर नहीं कर पाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया बिग कॉन्ग तो इसको बॉल की तरह उठा उठा के फेंक रहा है। अले पेनी भाई मुझे लगता ना आज अपने मेका गॉडज़िला का विकेट गिर जाएगा। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। तू तो गया मेरे हाथ से, ये ले। अरे ये नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तू तो आज मेरे हाथ से बचेगा नहीं। अरे रे पेनी भाई क्या हो गया, सारी हेकड़ी निकल गई। अले पेनी भाई तुम ठीक तो हो ना? अरे ये तो होना ही था, इसने इतने बुरे बुरे जो काम किए थे। अरे ये क्या हो रहा है इसको? मुझे लगता है बॉस नाराज हो गए है। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, हमें अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। अले मैं नहीं आऊंगा, मेरे को डर लग रहा है, तुम ही जाओ ना। हमें यहाँ से जाना होगा, पता नहीं बॉस खुद आए है या उन्होंने किसी को भेजा है। अरे ये तो अभी तक हारे भी नहीं थे फिर भी भाग गए। हाँ पर उन्हें हारने का अंदेशा हो गया था। गाइस मुझे लग रहा ना आज पेनीवाइज का बॉस उसकी पक्की क्लास लेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया पता नहीं आयरनमैन कहाँ पर चला गया। गाइस यार समझ ही नहीं आ रहा है आयरनमैन कहाँ पर जा सकता है। मुझे लगता है वो मदद मांगने के लिए अवेंजर के पास गया होगा। अरे पर आयरनमैन तो खुद भी अवेंजर है। अरे मतलब कि बाकी अवेंजर्स के पास। तो गाइस जल्दी से चलते अवेंजर के मेंशन पर और आयरनमैन को देखते हैं। अरे पता नहीं किंग कॉन्ग कहाँ पर होगा। अरे टेंशन वाली कोई बात नहीं, अभी बिग कॉन्ग आ गया ना तो उसको संभाल ही लेगा। चलो फाइनली इन दोनों को थोड़ा आराम तो मिलेगा। हे मालिक प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको निराश किया। अले पल ये डबल थिंग वाला बहता है कौन? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, झुको इनके सामने। अले आज मैं नहीं दुख सकता, मेरे पैरों में बहुत दल डोला है। अरे मूर्ख ये मालिक के राइट हैंड है, इनमें बहुत ज्यादा ताकत है, नहीं तो मारे जाओगे, झुक जाओ। अता ऐसी बात है कि पहले बताना चाहिए था ना, तौली तौली। हाँ पेनीवाइज मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये तुम्हारी कोशिश है तो तुम जल्दी मारे जाओगे। हम जीतने वाले होते तभी वो फ्रैंकलिन का बच्चा और अवेंजर आ जाते हैं। हाँ और हर बार हमारा प्लान नाकामयाब कर देते हैं। अले प्लान तो नाकामयाब करते ही है और हमको बहुत मारते, लात को इतना दुखता है ना। तुम इन धरतीवासियों के बीच में रह रहे के धरतीवासियों जैसे कमजोर हो गए हो। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैंने पता नहीं तुमको कितने मौके दिए थे। हमें बस थोड़ा वक्त और दो, हम जीत की कगार पे है। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। अरे मालिक प्लीज मुझे छोड़ दो। अले ताइलैंड है दिए तो इसको मार देगा। चुप हो जाओ नहीं तो ये तुम्हें भी मार देगा। मालिक मुझे बस एक मौका दो, मैं अपने को अप्रूव करके दिखाऊंगा। अगर बॉस को पता चल गया कि मैंने तुमको ये काम दिया था जिनसे एक बच्चा नहीं संभल रहा। अरे वो कोई आम बच्चा नहीं है, उस पे अवेंजर का हाथ है। तुम्हारी वजह से अगर बॉस मुझ पे गुस्सा हो गए तो इतना समझ लेना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मुझे बस एक मौका दे दो, अगर इस बार मैं नाकामयाब हो गया तो मैं बॉस के सामने खुद जाऊंगा माफी मांगने। तुम्हारी इन हरकतों से थक जाऊं मैं। अले त्या उठा के फेंका ले इसको तो। सिलेंडर मैन चुप हो जा, हम पे रहम खाइए मालिक। अले पेनी भाई तुम ठीक तो हो ना, ग्लूकोज के बातले तो नहीं तलाने पलेंगे ना। तुम्हारा वो मेका गॉडज़िला तो कुछ नहीं कर पा रहा। आप हमें कोई रास्ता बताइए जिससे हम जीत सके। इजिप्ट के एक मंदिर में महान किंग गिदोरा का अंडा है, तुम्हें वो अंडा प्राप्त करना होगा और उसे जगाने की प्रक्रिया करनी होगी। अब वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, महान किंग गिदोरा, उन्हें जगाना इतना आसान नहीं होगा। हमारे काम में कुछ आसान नहीं है। अले किंग गदेला ये कौन है? अरे बेवकूफ गदेड़ा नहीं, किंग गिदोरा, उन्हें बड़े बड़े क्रीचर्स का देवता कहा जाता है। मैंने भी उनके बारे में सुना है, वो बहुत खतरनाक है। इस बार मुझे निराश मत करना, मैं चलता हूँ। अले पेनीवाइज हम वो किंग गदेला का अंडा लेने जाएंगे तो फ्रैंकलिन और लवेंडल हमको लोक नहीं लेंगे। अरे बेवकूफ तुमको कितनी बार समझाऊं, वो गदेड़ा नहीं गिदोरा है, गिदोरा। और अवेंजर की टेंशन तुम मत लो, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? मैं और सिलेंडर मैन वो अंडा लेने जाएंगे, साइरन हेड तुम जाके उन्हें रोकना। उन्होंने मैं
का गॉडज़िला को हरा लिया, मेरी क्या औकात है? मैं तुम्हें कुछ शैतानी पावर्स दूंगा जिससे तुम उसे रोक पाओगे। अले ऐसी बातें तो मुझे ही पावर दे दो ना। मुझे तुम पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है, तुम मेरे साथ ही चलोगे। ये तो गलत बात है, एकदम गलत बात है। हे शैतानी देवता, मुझे ताकत प्रदान करे ताकि मैं उन अवेंजर के बच्चों को मार सकूं और उनकी बलि आपके चरणों में चढ़ा सकूं। अले ताइलन है दिए, क्या हो गया तुम्हारे दांतों को, इतने बले बले हो गए? मुझे पावर महसूस हो रही है। पर तुम्हारे टूथपेस्ट का खलता तो बल गया ना। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? अले इतने ताले दांत है, ब्लस्ट तो करना पड़ेगा ना। अबे बेवकूफ, कितनी बार कहा है, तू तो मुंह बंद ही रखा कर। सायरन हेड, तुम जाके उस अवेंजर और फ्रैंकलिन के बच्चे को रोको, मैं और सिलेंडर मैन जाके वो अंडा ले आते हैं। अले ये तापल आ गए हम, इसी जगह हमें किंग गिदोरा का अंडा मिलेगा, बस ढूंढने की देरी है। अले यार कितनी गर्मी है यहाँ पर। गर्मी तो होगी, दूर दूर तक रेगिस्तान है खाली। अले यहाँ कहीं पर ऊंट का बंदोबस्त होएगा क्या? किसका बंदोबस्त? अले ऊंट ऊंट कैमल कैमल। अबे बेवकूफ, पिकनिक पे आया है क्या? चल हमें जल्दी से जाके ढूंढना है। फ्रैंकलिन भैया फाइनली ये सब खत्म हो जाएगा और फिर घर पे जाके आराम से बहुत सारी चोको चिप खाऊंगा मैं तो। शिनचैन भूल मत, अभी भी ये जंग अपन जीते नहीं है। अरे यार इतना बड़ा काला टीका लेके घूमता हूँ फिर भी नजर लग जाती है। अबे कौन सा काला टीका? अरे फ्रैंकलिन भैया मैं तो आपकी बात कर रहा था। मुंह बंद कर अपना, ज्यादा नहीं बोलने लग गया। हाँ नहीं तो, अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, तारीफ नहीं हो रही तेरी, समझा? गाइस यार एक बात समझ ही नहीं आ रही है, अगर आयरन मैन अवेंजर के पास मदद मांगने गया भी था तो वापस क्यों नहीं आया? फ्रैंकलिन भैया वो तो उनसे ही पूछ लेना, हम लोग पहुँच गए है। तो गाइस फटाफट से अंदर चलते हैं और आयरन मैन से बात करते हैं। अरे ये रहे टोनी भैया, और फ्रैंकलिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे हमारा छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमको तो लगा तुमको कुछ हो गया होगा, पता कितनी टेंशन में थे हम लोग। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या हो सकता है। अरे पर टोनी तुम वापस क्यों नहीं आए? अरे मैं यहाँ पर मदद लेने के लिए आया था, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि तुम आइस गॉडज़िला को लेके पहुँच गए हो और बिग कॉन्ग मेगा गॉडज़िला पे भारी पड़ रहा है, तो मुझे लगा अभी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर एटलीस्ट बता तो सकते थे ना। अरे मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अरे रहने दो टोनी भैया, बहाने मत मारो। अरे नहीं शिनचैन, मैं बहाने नहीं मार रहा। टोनी पेनीवाइज़ को उसके बॉस ने बुलाया, मुझे लगता पक्का वो कुछ गड़बड़ करने वाले। अरे गड़बड़ नहीं, वो बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाले है। अरे क्या बात कर रहे हो? पेनीवाइज़ इजिप्ट गया हुआ है किंग गिदोरा का अंडा लेने। किंग गिदोरा, ये कौन है? किंग गिदोरा एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है जिसे हराना असंभव है। गाइस यार एक चीज से पीछा छूटता नहीं है कि दूसरी तैयारी रहती है। अरे पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। अरे शिनचैन ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप तो बोलो ही मत, मुझे तो लगता है मैंने आपका ही चेहरा देखा था। फ्रैंकलिन फिर तो हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। अरे पर शहर ने रक्षा पण तो जरूरी है ना। हाँ हाँ, किसी को तो शहर में रहकर रक्षा करनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन तुम एक काम करो, तुम हल्क को अपने साथ ले जाओ और बाकी के अवेंजर शहर के अलग अलग कोने में जाके देखो सब ठीक तो है। हल्क फ्रैंकलिन के साथ जाएगा। तो ठीक है फिर मैं निकलता हूँ फटाफट। चलो चलो फ्रैंकलिन भैया। तो गाइस फटाफट से जाते हो और गाड़ी में बैठते हैं। हल्क रे रुको, हल्क आ रहा है। शिनचैन तू भी आजा फटाफट से बैठ। अरे हल्क तुम तो बहुत ही हट्टे कट्टे हो गए हो, ऐसा भी क्या करते हो आजकल? हल्क खाता पीता सोता, हल्क खाता पीता और सो जाता। अरे फ्रैंकलिन भैया भी तो ऐसे ही करते हैं, पर उनका तो सिर्फ पेट ही बढ़ता है। शिनचैन हम लोग निकल तो गए, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि इजिप्ट पड़ता कहाँ पर है। अरे फ्रैंकलिन भैया फिर आयरन मैन से पूछ लेना था ना। अरे उसकी कोई टेंशन नहीं, वो तो मैं फोन पे भी पूछ लूंगा। हल्क को डर लग रहा, गाड़ी ध्यान से चलाओ। अरे फ्रैंकलिन भैया मान गया, आपकी ड्राइविंग से तो बड़े बड़े लोग डरते हैं। अबे यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है और तुम लोग को मेरे ड्राइविंग की पड़ी है? अरे सही है ना, हमारी जान बचेगी फिर तो हम किसी की जान बचाएंगे। कुछ नहीं होने वाला तुम लोग को, तो थोड़ी देर शांति रखो। अरे ये किंग गिदोरा कैसा दिखता होगा? अबे मैंने तो नाम पहली बार सुना, मुझे क्या पता कैसा दिखता होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या आ गया सामने? गाइस यार ये तो सायरन हेड है, पर इस बार इतना अलग क्यों लग रहा है? अरे इसने तो भूपू की दुकान खोल ली है। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। अरे वो भाई साहब एक भूपू कितने का दिया? मैं ये बेचने नहीं निकला हूँ। अरे इतने पतले से शरीर पे इतने सारे भूपुओं का क्या करोगे तुम? तुमको वजन वजन नहीं लगता क्या? सायरन हेड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब मैं सायरन हेड नहीं हूँ, अब मैं किंग सायरन हेड हूँ। अबे चार पांच भोपू लगाने से तू बदल नहीं जाएगा, है तो आखिर में तू भोप निकाई। इस नाम से चिढ़ाना मुझे बंद कर दो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ तो क्या कर लेगा तू? अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मुझ में बहुत ताकत है। अबे सुन खजूर, जरा पीछे देख ले, हमारे पास हल्क है। हल्क मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हल्क को गुस्सा आ रहा। हल्क के कम करो ना, इसको मजा चखा दो। हल्क इसके सारे भोपू उखाड़ देगा। हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। जाओ हल्क मजा चखा दो। अरे कहाँ गया ये? गाइस यार पता नहीं कहाँ से वार कर रहा है ये। हल्क अभी ऊपर जाके देखता है। अरे हल्क वो रहा नीचे, जल्दी से इसे मार दो। तुम तो आज मेरे हाथ से गए हल्क। अरे ये क्या हो रहा है? गाइस यार ये तो सच्ची में बहुत ताकतवर हो गया, इसने तो हल्क को उठा के फेंक दिया। अरे फ्रैंकलिन भैया हल्क को गुस्सा तो आन दो, फिर ये इसको बताएगा। हल्क तुझको छोड़ेगा नहीं, हल्क में बहुत पावर। आज तेरी पावर धरी की धरी रह जाएगी। गाइस यार पता नहीं इसमें इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आ गई, ये तो एक नंबर का नल्ला था। फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता ना ये पेनीवाइज ने ही दी होगी। हल्क तुमको छोड़ेगा नहीं, ये लो। अबे यार फिर से कहाँ चला गया? चुप चुप के वार करता है। गाइस यार अभी हल्क के हाथ में आ गया है, अब नहीं बचेगा ये। हल्क मार मार के इसकी पुंगी बजा दो। हल्क इसको छोड़ेगा नहीं, एकदम से मार देगा। अरे रुक जाओ मुझे जाने दो। हल्क नहीं छोड़ेगा, ये ले। और ये गया तू मेरे हाथ से। गाइस यार क्या
पटक पटक के मार रहा है इसको। अरे वाह गाइस क्या बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। हल्क सबसे ज्यादा ताकतवर। गाइस मुझे लगता है इसने इसको हरा दिया। हल्क से पंगा पड़ेगा महंगा। तुम ये मत सोच लेना कि तुम जीत गए। अच्छा ठीक है, पर हमने ये सोच लिया कि तुम तो हार गए। अरे ये क्या बात हो गई? सायरन हेड तेरे को पता तो है ना, अगर मैंने हल्क को बोल दिया ना तो वो तेरे को मार देगा। अरे रुक जाओ, ऐसा मत करना। अच्छा ठीक है चल, नहीं करता, बस इतना बता दे कि पेनीवाइज कहाँ पर है। अरे वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अरे फ्रैंकलिन भैया इसे पूछो मत, इसको बोलो सीधा वहाँ पर पहुँचा दे। अबे हाँ भाई, तुम लोग के पास तो पावर होती है ना किधर भी पहुँचाने की। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते, सोच लो फिर इधर ही मारे जाओगे। अच्छा ठीक है, पर पेनीवाइज को मत बताना कि मैंने तुम्हें वहाँ पर पहुँचाया। अच्छा ठीक है डील डन। गाइस यार ये कहाँ पर आ गए हम, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है हम इजिप्ट पहुँच गए है। हल्क को गर्मी लग रही। अबे गर्मी तो लगेगी ना, थपथपाते रेगिस्तान में जो खड़ा है तू। अरे कहीं सायरन हेड ने हमें गलत जगह तो नहीं पहुँचा दिया ना। लग तो नहीं रहा शिनचैन, क्योंकि आयरन मैन ने भी तो इजिप्ट ही बोला था। अरे पर पता नहीं इसने कौन से कोने में लाके पटका है। अब भाई साहब वो तो ढूंढ के ही पता चलेगा। अरे अब इतने लंबे रेगिस्तान में कहाँ तक भटकना पड़ेगा, मुझे तो अभी से प्यास लग गई है। देख शिनचैन जितना जल्दी ढूंढेंगे ना उतना अपने लिए अच्छा होगा। हल्क को गुस्सा आ रहा। गाइस यार फटाफट से जाके ढूंढते इससे पहले कि पेनीवाइज के हाथ में वो अंडा लगे। हल्क को चलना पसंद नहीं। ओ तेरी की भाई साहब, अब ये क्या आइटम है? अरे देखने से तो पत्थर का ढेर लग रहा है। पत्थर मानो। गाइस यार बड़ी अजीब सी चीज है ये तो। फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है हमारा वहम होगा, रेगिस्तान की गर्मी में लोगों को कुछ भी दिखता है। शिनचैन ये वहम ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा? अरे ये सच्ची में है। मैं गोलांको गिदोरा के अंडे का रक्षक। गाइस यार इसका मतलब कि गिदोरा का अंडा यही कहीं पे है। वो कहीं पर भी हो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, हल्क इसको संभालेगा। फ्रैंकलिन भैया अच्छा हुआ ना हम हल्क को अपने साथ लेके आ गए। जो एक बार यहाँ पर आता है वापस नहीं जा पाता, हल्क तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे वाह इसके बाद है फाइट शुरू हो चुकी है। गाइस यार बहुत अच्छा हुआ कि हल्क अपने साथ आ गया, नहीं तो पता नहीं आज अपना क्या होता। जो हल्क दोस्तों को परेशान करता है हल्क उनको नहीं छोड़ता। तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों मरोगे। गाइस यार ये तो अपने हल्क की धुलाई करते ही जा रहा है। हल्क को गुस्सा आ रहा। फ्रैंकलिन भैया इस पत्थर के ढेर को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मेरे इलाके में आके मुझे धमकाएगा, ये ले। तूने हल्क पे हाथ उठाया, हल्क तुझको नहीं छोड़ेगा, ये भी ले। हल्क तेरे सारे पत्थर तोड़ देगा। गाइस यार पता नहीं क्या हो रहा है, शायद ये पत्थर का बना हुआ इसलिए इसको कोई असर नहीं हो रहा है। फ्रैंकलिन भैया हमारा हल्क बहुत स्ट्रांग है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। गाइस यार ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है हल्क को बहुत गुस्सा आ गया है। अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा, ये ले। फ्रैंकलिन भैया इसने तो वाटी लगा दी। गाइस यार हल्क क्या भारी पड़ रहा है गोलांग पे। ये देखो इन बेवकूफों को, इन्होंने तो हमारा अंदर जाने का रास्ता ही साफ कर दिया। अता हुआ नहीं तो इतनी गर्मी में थकने के बाद ये गोलांग अपने को मालता था। मुझे तो इन लोगों ने बहुत मारा, पता नहीं इन लोगों को यहाँ का रास्ता कैसे पता चल गया। अले तोलो ना हम फटाफट से अंदर जाके अपना माल ले लेते हैं। फटाफट से अंदर जाते हैं और गिदोरा का अंडा हासिल कर लेते हैं। अले लुको पेनीवाइज मैं भी आ लाऊं। अरे ये तो काफी प्राचीन गुफा लग रही है। ये तो काफी डरावनी जगह है। इजिप्ट के राजा पहले यही पे रहा करते थे। इन दीवारों पे जो भी लिखावट लिखी हुई है वो सारी की सारी प्राचीन है। अले लेकिन हमें क्या फलक पलता है, हमको तो पलना ही नहीं आता। अरे यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है, फिर ये मशाले किसने जलाई? अले कई जगह पे कोई भूत वूत तो नहीं है ना? इस जगह पे उन लोगों का साया है जो यहाँ पर मारे गए थे, ये हमेशा से ऐसे ही जलते रहते हैं। अले पेनीवाइज दलाओ मत, नहीं तो मैं तो आगे भी नहीं आऊंगा। अरे वाह क्या बात है, आखिर में महान गिदोरा का अंडा मेरे सामने है। अले क्या बात कर ले हो पेनीवाइज, तुम्हें मिल गया? अरे ये तो काफी अनोखा लग रहा है। ये अंडा बाकी सब अंडों से हटके है, इसमें जो पावर है वो लाजवाब है। अरे ये लाशें किसकी है? ये वो लोग है जो अंडा लेने आए थे और नाकामयाब रहे, उनके लाशों की मम्मी बनाकर यहाँ रख दी गई है। ये उन लोगों के लिए धमकी है जो अंडा लेने आते हैं। अले तो फिर हम ये अंडा कैसे लेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, हम पे शैतान का हाथ है। हाँ और यहाँ पर जो आत्मा है वो भी शैतानी है, तो हमें कोई नहीं रोकेगा। आखिर में मैं इस महान अंडे तक पहुँच गया हूँ और अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। शैतान का शुक्रिया जिसने मुझे इतनी ताकत दी। अले पेनीवाइज क्या कर ले हो? मैं ये अंडा लेने जा रहा हूँ, अब ये अंडा लेके यहाँ से चलते हैं। पेनीवाइज ध्यान से कहीं गिर ना जाए, मैं तुम दोनों जितना पागल नहीं हूँ कि ये अंडा यहीं पे गिरा दूँ। हल्क ने गोलांग को ठिकाने लगा दिया। अरे वाह हल्क तुमने तो कमाली कर दिया, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो गाइस। अरे ये लोग कौन है? अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है बराबर। गाइस यार ये तो भूतिया पार्टी वाले लोग है। फ्रैंकलिन भैया इनके हाथ में तो अंडा लग
गया है। अभी मजा आएगा ना भिलू। फ्रैंकलिन ये जंग कितनी भी लंबी हो मैं तुम्हें तो जीतने ही नहीं दूंगा। तुमको क्या लगता है तुम ये सब करके जीत जाओगे? तुमने मेरे मैका गॉडजिला को बुरी तरीके से हराया है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हारना क्या होता है। हल्क को गुस्सा हो गया तो हल्क यही पे बता देगा। अरे हल्क नहीं, उनके हाथ में अंडा है, कहीं गलती से उसको कुछ हो गया तो नुकसान हो जाएगा। वाह ये बच्चा तो समझदार है। अरे तुमको पता नहीं है अंडे में कितनी ज्यादा पावर है। तुमने मुझे मारा था ना, अच्छा हुआ ये अंडा तुम्हारे हाथ में नहीं आया। सायरन हेड तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने जानबूझ के हमको दूर पहुंचाया था। तो तुम्हें मैं कहता बेवकूफ लगता हूँ। बहुत बातचीत हो गई, हम चलते हैं। गाइस यार ये क्या हो गया, ये तो अंडा लेके चला गया। फ्रैंकलिन भैया अब क्या होगा? मुसीबत आने वाली है। गाइज यार गड़बड़ हो गई, पेनीवाइज के हाथ में गिदोरा का अंडा लग गया। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर हम सिर्फ गोलम को मारने आए थे। बेवकूफ, तो अपन बहुत बड़े वाले बने, अपन ने यहाँ पर आके सिर्फ पेनीवाइज का रास्ता ही साफ किया है। हल्क को उल्लू बनाया, हल्क छोड़ेगा नहीं। छोड़ यार, अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे उसके लिए पहले यहाँ से निकलो तो सही। तो गाइज यार सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो हम लोग गर्मी से ही मर जाएंगे। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख और प्यास लगी है। हल्क को भी भूख लगी। देख भाई अब यहाँ तो कुछ मिलने से रहा, इससे अच्छा यही होगा कि अपन चुपचाप चलते। अरे मुझे तो लगता है हम भटक गए। नहीं यार शिनचैन, मुझे लगता है थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अरे मान क्यों नहीं लेते, हम भटक गए हैं। आप कब से बोल रहे हो पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे कब? ठीक है बाबा, पर अपने पास कोई चारा है क्या चलने के सिवा? मुझे तो लगता है मैं यहीं पे मर जाऊंगा। अरे वह क्या बात है, इतनी खूबसूरत दीदिया, वो भी इतने सारे खाने और पानी के साथ। अभी जाके खाता हूँ, बहुत मजा आएगा। आओ शिनचैन, जितना मर्जी उतना खाओ पियो। अरे आपको कैसे पता मेरा नाम शिनचैन है? अरे पता कैसे नहीं होगा, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। अरे वह क्या बात है, मुझे नहीं पता था मैं इतना फेमस। अरे इन दीदियों को देख के तो मुझे भी नाचने का मन कर रहा है। वह गाइस के बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। अबे शिनचैन क्या हो गया, चुप क्यों है? भूख के मारे आवाज नहीं निकल रही। गाइस यार शिनचैन कहाँ चला गया, अभी तो पीछे पीछे आ रहा था। अबे यार अभी ये कहा जा सकता है इतने बड़े रेगिस्तान में। भाई साहब गाइस यार ये रहा शिनचैन, पर ये नाच क्यों रहा है? शिनचैन ये क्या कर रहा है तू? अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं नाच रहा हूँ? दिखाई तो दे रहा है पर तू नाच क्यों रहा है? अरे क्योंकि अभी हमें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या मिल गया तेरे को? अरे मुझे बहुत सारा खाना और पानी मिला है। क्या बात कर रहा है, कहाँ पर है? अरे अंधे हो गए हो क्या, मेरे पीछे देखो। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कहाँ गया, अभी तो यही पे था। पागल वागल तो नहीं हो गया ना तू? अरे कसम से यही पे था। मुझे लग रहा ना तेरे को वहम हो रहा है, रेगिस्तान में लोगों को अक्सर ऐसी चीजें होती है। अरे यार पहले पता होता तो वहम में ही कुछ खा लेता, कम से कम मन को तसल्ली तो होती। अब छोड़ ये सब और चल फटाफट। अरे मुझे बहुत तेज सुसु आया है। अबे पिया तो तूने कुछ है नहीं, निकालेगा क्या? अरे ये तो कुदरती है, इसमें मैं क्या करूँ? एक काम कर, मैं तो बोलता हूँ अंदर ही कर दे, इतनी धूप है सूख जाएगा। अरे नहीं नहीं मुझे शर्म आती है। अच्छा तो ठीक है चल वहाँ जाके कर ले। अच्छा ठीक है अभी करके आता हूँ। अरे हल्क जरा इधर तो आना। रुको शिनचैन आ रहा हूँ, क्या हुआ? अरे जरा यहाँ उल्टे घूम के खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे छुप के सुसु कर लूंगा। अच्छा ठीक है। अरे वाह क्या मजा आ रहा है, पूरा शरीर हल्का हो गया। जल्दी करो, हल्क को भी सुसु आई। अच्छा ठीक है रुको। हल्क किसको दिखाई तो नहीं दे रहा ना? अरे नहीं नहीं हल्क तुम किसको भी दिखाई नहीं दे रहे, जल्दी से कर लो। अबे क्या दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है पहाड़ चूहे के पीछे छुप गया है। अरे फ्रैंकलिन भैया करने दो ना। अबे और कितना करेगा? अरे हल्क की बॉडी के हिसाब से टंकी भी तो बड़ी होगी ना। ये कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? मालिक की जय हो, हम आपके लिए गिदोरा का अंडा लाए हैं। वाह क्या बात है, तुम तो जल्दी आ गए। हाँ उन बेवकूफों ने हमारा रास्ता साफ कर दिया था। अले अगर वो लोग नहीं होते ना तो पहले तो अपन गोलम ते माल खाते, उसके बाद हल्क ते भी माल खाते। अब वो रेगिस्तान में भटक रहे होंगे, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। चलो कोई काम तो तुमने ढंग से किया, अब बॉस हमसे बहुत खुश होंगे। बॉस कोशिश से नहीं परिणाम से खुश होते हैं। इसका परिणाम अच्छा ही होगा, मैं अपने मैका गॉडजिला का बदला लेके रहूंगा। अले पेनीवाइज प्लीज ऐसा मत बोलो, जब भी तुम ऐसा बोलते हो ना कुछ गड़बड़ होती है। मुझे तो लगता है तुम ही पनौती हो। अले मैं पनौती नहीं, मैं तो तिलिंदल मैन हूँ। और बाकी कैवेंजर कहाँ है? वो जहाँ कहीं पर भी है, जब तक अंडे तक पहुँचेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो अभी शुरुआत कर दो। शुक्रिया इस गॉडजिला, तुम नहीं होते तो ये जंग मैं नहीं जीत पाता। हाँ इस गॉडजिला तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अरे नहीं ये तो मेरा फर्ज था। ये मैका गॉडजिला तो सच में बहुत ताकतवर था। हाँ पर इस कचरे के ढेर का भी क्या करना है, ये जिसका है वो लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है पेनीवाइज इसे लेने जरूर आएगा। अरे पर बाकी के लोग कहाँ पर गए? मुझे भी कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं तो बेहोशी की हालत में था। यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है और बाकी के लोग गायब, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आगे मैं संभाल लूंगा, तुम दोनों जाओ, तुम दोनों की हालत वैसे ही काफी खराब है। अच्छा ठीक है, बस जरूरत पड़ेगी तो हमें बुलाना। गाइस यार कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी आंखों का
होगा धोखा या सच है? हल्क को तो सच लग रहा। लग तो मुझे भी राय पर कुछ भरोसा नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये धोखा नहीं हो सकता। अगर धोखा होता तो हमें खाने पीने की चीजें दिखती। बात तो तेरी भी सही है। अरे वो तो हमेशा ही होती है। वैन दया भाई, वो तो मैं देख चुका जब तू वहाँ पर अकेला अकेला नाच रहा था। अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तारीफ नहीं कर रहा तेरी मैं। गाइस यार, फाइनली इतना भटकने के बाद एक छोटी सी बस्ती दिखी है। अरे जल्दी चलो ना, हमें पीने के लिए पानी मिल जाएगा। हल्क तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और आयरन मैन को अंडे के बारे में बता देना। यहाँ से आगे हम कैसे भी करके संभाल लेंगे। ठीक है, हल्क जाता है। और शिनचैन तू सुन ले, उधर जाने के बाद कुछ भी आड़ी टेढ़ी चीज मत बोलना। अरे मैं क्या बोल सकता हूँ। तो गाइस फटाफट से चलते हैं बस्ती के अंदर, क्या पता लोग यहाँ पर अपनी कोई मदद कर दे। अरे यहाँ पर तो इतनी गर्मी में भी लोगों ने गमछे लगाए हैं। शिनचैन यहाँ के लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, वो अंकल के पास चलो, उनके पास मुझे बहुत सारे फ्रूट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है चल आ जा। अरे अंकल पानी मिलेगा क्या? बोलो बच्चा, तुमको क्या चाहती? अरे बेरे हो क्या? मैंने अभी तो बोला पानी चाहिए। अरे बड़ा बदतमीज बच्चा है। शिनचैन ऐसा मत कर, तेरी वजह से ये लोग मदद नहीं करेंगे। हाँ बोलो, तुम क्या लेने के वास्ते आई? अरे हम तो वो गिदोरा का गाय का दूध लेने आए थे हम तो। गाय का तो नहीं, ऊंट का दूध मिलेगा। अरे हम ऊंट का दूध नहीं पीते, ऊंटनी का है तो बोलो। अरे हमारा मतलब वही था। शिनचैन एक बात बता, तेरे को लग रहा है ये लोग अपनी मदद करेंगे? अरे एक बच्चे से क्या पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता होगा? अरे ये लड़का तो कहीं देखा लग रहा है, अभी जाके अपने भाई से पूछता हूँ। भाई ये लोग कौन होती? अरे मुझे भी नहीं पता होती, इनको तो मैं पहली बार देखी। इन दोनों को तो मैंने कल प्राचीन मंदिर के बाहर देखा। ये तुम क्या बोलती? मुझे लगता है ये चोर है, अभी सामने से जाके देखता हूँ। अरे अब ये कौन है? अरे भाई साहब क्या हो गया? अभी बताता तुमको क्या हो गया, तुम एक नंबर के चोर होती। अरे पर हम लोग ने किया क्या है, ये चाकू क्यों बता रहे हो? अरे भाई साहब जरा इसको समझाओ। अबे यार ये क्या चल रहा है? अभी समझाती तुमको। अरे अंकल यार जाने दो ना, हम लोग ने तो कुछ किया भी नहीं। लुको तुमको तो जाने देती मैं अभी। अरे ये क्या चल रहा है वहाँ पर, अभी जाके देखते हैं। अरे ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं गाइस यार यहाँ पर क्या चल रहा है। अरे क्या हो गया? अरे मुझे लगता है इन्होंने हमारा देवता चोरी किया। अरे कहीं आपका मतलब उस अंडे से तो नहीं था ना? शिनचैन ये क्या बोल रहा है तू? देखा, मुझे तो पहले से ही पता था इन लोगों ने चोरी की। अरे इन लोगों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे हम लोग ने कोई अंडा चोरी नहीं किया। झूठ मत बोलो, तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए थे? अरे हम तो उस गिदोरा के अंडे के लिए आए थे। अबे ये क्या बोले जा रहा है, मरवाएगा क्या? देखा मैंने तो पहले ही कहा था। अरे उसका मतलब वो नहीं था, हम तो बस टूरिस्ट है, यहाँ पर घूमने आए थे प्राचीन चीजों को देखने। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया की शक्ल पे मत जाओ, ये खाली दिखने से ही चोर दिखते है। मैं तो बोलता हूँ इसको सरदार के पास लेके जाते हैं। इनको सरदार के हवाले कर देते हैं, अब वही इनका कुछ करेंगे। अबे यार कहाँ पर लेके जा रहे हो? चुपचाप से मुंह बंद करके पड़े रहो, नहीं तो गोलियों से छल्ली कर देगा। अरे अंकल थोड़ा सा पानी तो दे दो। सरदार के पास चलो, वो तुमको चाय पानी सब देगा। क्यों तुम्हारे सरदार की चाय की टपरी है क्या? ये बच्चे मुझे लगता है तुमको मार खानी है। अरे नहीं मुझे तो चोको चिप खानी है। 2 hours later. अभी जाकर सरदार को बोल के आता हो। अरे भाई सरदार है क्या? सरदार तो है, पर ये उनके मनोरंजन का टाइम होती। अरे मुझे बहुत जरूरी काम है, वो अभी किसी से भी नहीं मिलती। अरे मेरे पास वो गिदोरा के चोर है। अरे क्या बात कर रही होती? हाँ अभी वो गाड़ी में है। रुको जरा, अभी मालिक को जाके बताती। अब तुम दोनों नहीं बचोगे, तुम्हारा खेल तमाम। पता नहीं यार अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। अल हबीबी बोलो टकलिया, ये तुम किसको हमारे पास लेके आ गई? अरे मालिक ये वही हमारे देवता के चोर है। माशाल्लाह ये तुम क्या बोल रही होती? अरे इस बच्चे ने अपने मुंह से बोला है। अरे पर मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ऐसी बात होती तो हम इनको बिल्कुल नहीं छोड़ती। अरे भाई ये दीदिया कितना अच्छा नाच रही है, कहीं ये भी मेरा वहम तो नहीं? ये वहम नहीं होती, ये हकीकत है। और ये तुम्हारी दीदिया नहीं होती, ये हमारी माशूका होती। अच्छा एक बात तो बताओ, आप भी लड़के हो मैं भी लड़का हूँ, फिर आप कब से होती होती की बोल रहे हो? हम ऐसे ही बात करती। अरे ये क्या बात हो गई, अब तो लोगों के जेंडर चेंज कर रहे हो। अरे टक ले इनको तो मजा चखाना पड़ेगा, जल्दी से खेल की तैयारी करो। अबे यार ये क्या बोले जा रहे हो, हमको कोई खेल नहीं खेलना। अरे हाँ हमको तो बस यहाँ से जाने दो, यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। और ये खेल नहीं होती, ये मौत का खेल होती। अरे फ्रैंकलिन भैया पता नहीं ये कौन सा खेल खेलने वाले है। गाइस यार यहाँ पर तो अपन मदद मांगने आए थे, सीन ही उल्टा हो गया। अरे कैसे क्या हो गई, देखती हल्क पहुँच गया। फटाफट से टोनी के पास जाता हूँ। और हल्क तुम अकेले कैसे? फ्रैंकलिन और शिनचैन कहाँ पर है? अरे वो तो नहीं आए। नहीं आज से तुम्हारा क्या मतलब है, सब ठीक तो है ना? वो लोग गांव वालों से मदद मांगने गए हैं। और ये तुमने क्या कर दिया? वो लोग उनको चोर ना समझ ले, क्योंकि गांव वाले उस अंडे को भगवान मानते हैं। अरे ये तो मुसीबत हो जाएगी। एक काम करता हूँ, फ्रैंकलिन को फोन करके बोल देता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे यार ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। ये मैंने तो लगे वो नेटवर्क माना थी, रिंग तो जा रही है पर वो फोन नहीं उठा रहा। मुझे लगता है कोई ना कोई तो गड़बड़ हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अब मुझे ही जाना पड़ेगा उस अंडे के रहस्य का पता करने और फ्रैंकलिन को ढूंढने। ये सामने न जा जाए तो
भाई जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, फटाफट से जाके अपना सूट पहन के निकलता हूँ यहाँ से। वाह क्या बात है, ये तो हमेशा की तरह चमक रहा है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। चलो सूट तो पहन लिया मैंने, अभी फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। अरे पेनीवाइज अभी तंदे में थे वो गधेला बाल आएगा क्या? अबे बेवकूफ तेरे को कितनी बार बोला है, अब क्या लिख के दूं, वो गिदोरा होता है गधेड़ा नहीं। अरे वो तब तोलो ना, बस इतना बताओ बाल आएगा कि नहीं आएगा? मेरे तो बहुत नींद आ रही, फिर मैं तोने दाऊ। इतने जल्दी वो बाहर नहीं आएंगे, उन्हें बाहर लाने के लिए कुछ विधियां करनी पड़ती है। इस बेवकूफ की बात पे ध्यान मत दो, हमें इस विधि को पूरा करने के लिए कुछ चीजों की और जरूरत है। बस थोड़े ही टाइम में हम वो चीजें ले आएंगे, उसके बाद में किंग गिदोरा हमारे सामने होंगे। और क्या चाहिए? गाइस यार पता ही नहीं ये लोग कहाँ पर लेके आ गए अपने को, और सभी ने निशाना तो ऐसे बना के रखा है जैसे मैं बहुत बड़ा डाकू। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया आप आ गए। अरे आओ चिलगोजे, स्वागत है तुम्हारा इस मौत के खेल में। पहले तो ये बताओ शिनचैन को बंदी क्यों बना के रखा है? ये बॉस के सामने जबान लड़ाता है माशाल्लाह। अब ये बच्चे की जान तुम पर निर्भर होती। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यहाँ पर एक मुकाबला होती, अगर तुम जीत जाती तो हम इस बच्चे को छोड़ देगा, अगर तुम हारेगी तो तुम दोनों मरोगी। गाइस यार ये कहाँ पर फंस गए? अरे वाह गाइस इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। गाइस यार शिनचैन के लिए करना ही पड़ेगा अपने को। तो मिलो हमारे पहले सिपाही से। अबे ये क्या आइटम है? ये आइटम नहीं होती, ये पिरामिड हेड होती, ये हमारे इजिप्ट का कसाई होती। गाइस यार अब ये क्या बवासीर है? फ्रैंकलिन भैया दिखा दो इसको। गाइस यार ये तो अपनी तरफ आ रहा है। भाई साहब यार डर ही लग रहा है मेरे को तो। अरे फ्रैंकलिन भैया मारो ना। गाइस यार इसको तो कोई असर ही नहीं हो रहा बैट से, एक दो बार और ट्राई करके देखते हैं। अबे यार ये क्या सीन है, ये मार रहा है तो लग रहा है, मैं मार रहा हूँ तो लग ही नहीं रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहे हो, मारो ना। अबे यार पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ। गाइस यार मुझे लगता है इसको बैट से असर ही नहीं हो रहा है, एक काम करता हूँ हाथ से मार के देखता हूँ। ये ले तेरे ऐसे की तैसी। अरे वाह क्या बात है फ्रैंकलिन भैया। गाइस यार अब इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। अबे तेरे की नियत पे चाकू से वार करता है। गाइस यार इसका कोई ईमान धर्म है भी कि नहीं, अब तो ये गया मेरे हाथ से, ये गया। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया आपने तो इसको धूल चटा दी। गाइस यार फाइनली मरा ये, अब जल्दी से जाता हूँ राजा के पास और बोलता हूँ इसको छोड़ने के लिए। अरे वाह चिलगोजे तुम तो बहादुर होती, तुम्हारी शर्त के हिसाब से मैं जीत गया हूँ तो शिनचैन को छोड़ दो। अरे पर हमने कब बोला कि मुकाबला सिर्फ एक से होती? अबे क्या मतलब है तेरा, एक से नहीं तो कितने से? रुको जरा अभी तो हमारा दूसरा सिपाही आ रही। भाई साहब यार अब कौन आने वाला है? मिलो हमारे दूसरे सिपाही से। गाइस मुझे लगता है मैं पहुंचने वाला हूँ, जल्दी से जाता हूँ अंदर। अरे ये जगह तो काफी प्राचीन लग रही है, मुझे लगता है गिदोरा का अंडा इसी जगह पे रखा हुआ था, मुझे जल्दी से पता करना होगा गिदोरा के राज इन्हीं दीवारों पर लिखे होंगे। थोड़ा और अंदर जाके देखता हूँ, ये जगह तो काफी बड़ी है, इस लिखावट को पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है ये वो जगह है जहाँ पर अंडा रखा गया था, पता नहीं यहाँ पर और कितने सारे राज दबे हुए हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है, मुझे जल्दी से जाके फ्रैंकलिन को ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। और ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये फ्रैंकलिन बेहोश कैसे हो गया? जल्दी से बचाता हूँ इसको। ये ले तुम सभी लोग, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। ये ले मुझे लगता है ये यहाँ का राजा है, इसको और इसके साथियों को सबको मार देता हूँ। अरे वाह आयरन मैन तुमने तो कमाल ही कर दिया। रुको शिनचैन पहले फ्रैंकलिन को जगाता हूँ, बाद में तुम्हें खोलता हूँ। अरे हाँ कोई बात नहीं। अबे यार क्या हो गया था मेरे को, एक मिनट बताता हूँ, ये बहुत परेशान कर रहा है। ये ले तुम बेहोश हो गए थे फ्रैंकलिन। क्या बात कर रहे हो, मुझे तो याद भी नहीं मैं बेहोश कब हुआ। अरे जब उसके दूसरे सिपाही ने आपके मुंह पे पंच मारा था। तभी बोलूं मेरा जबड़ा इतना क्यों दुख रहा है। फ्रैंकलिन एक और प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम गई कब थी जो आएगी, अब क्या हो गया? मैं उस प्राचीन जगह पर वापस गया था और वहाँ पर मुझे पता चला कि गिदोरा के अंडे को जगाने के लिए हमें 3 ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है कि पेनीवाइज उन ड्रैगन को जरूर ढूंढने जाएगा, इससे पहले कि वो लोग ड्रैगन तक पहुंचे हमें जाके वो ड्रैगन हासिल करने होंगे। अरे ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है चलो फटाफट। गाइस यार पता नहीं कहाँ तक भाग के जाना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया रुको ना मैं भी आ रहा हूँ। गाइस यार एक मिनट लेफ्ट में गाड़ी पड़ी है। भाई साहब यार नसीब अपना, अभी फटाफट से जाता हूँ इन दोनों को भी बिठा लेता हूँ अंदर। अरे वक्त क्या बात है आपको गाड़ी कहाँ से मिली? अबे तू बैठ ना। तो गाइस यार फटाफट से निकलते यहाँ से। अरे आपको याद तो है ना हम कहाँ से आए थे? शिनचैन मुझे लगता है ये वाला रास्ता था। अरे ये तो बहुत ही बड़ा स्लोप है। टेंशन मतलब बस टाइट पकड़ के रखना और ये चले गाइस अपन। अरे फ्रैंकलिन भैया ध्यान से। गाइस यार ये स्लोप तो बहुत ही बड़ा है और ये मारी अपन ने जंप। ओ भाई साहब। अरे फ्रैंकलिन भैया आराम से जंप करवाना। जंप तो हो गई है शिनचैन लैंडिंग की बात कर। गाइस यार बार बार बचे। अरे फ्रैंकलिन ये तुम बाहर की जगह अंदर क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे लग रहा है ना हम लोग को यही से लाया था। अरे फ्रैंकलिन भैया ध्यान से आगे रास्ता खराब है। शिनचैन आराम से बैठना। अरे अरे गाइस ये क्या हो रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया आराम से चलाओ ना, क्यों डरा रहे हो? गाइस यार ये क्या हो गया? अरे बार बार बच्चे आप तो मार ही डालते। शिनचैन अभी भी ध्यान से देखना क्योंकि आगे और भी रास्ता खराब है। गाइस यार ये पत्थर आ गया सामने। बच जा भाई यार नसीब अपनी बच गए।
अरे फ्रैंकलिन भैया, आप जिंदा तो पहुंचा दोगे ना? अब इसकी कोई गारंटी नहीं है फ्रैंकलिन, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। अरे यार इतना मत डरो ना, तुम लोग की वजह से मुझे भी डर लगता है। अरे मुझे तो लगता है आपकी ड्राइविंग क्लास वापस से शुरू करवानी पड़ेगी। फ्रैंकलिन कैसे भी करके हमें घर तक पहुंचा दो। गाइस यार ये लोग तो बहुत ज्यादा ही डर गए। अरे यार यहाँ के रास्ते कितने उबड़ खाबड़ है। अरे हल्क तो घर पे पहुंच गया था ना? हल्क तो घर पे आ गया था, उसकी वजह से तो मुझे पता लगा कि तुम लोग कहाँ पर हो। अरे वाकई बात है, हल्क के लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, हम तो पहुंच गए। गाइस यार ये जगह देख के इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, अब जल्दी से अंदर चलो। तो गाइस यार अपन अंदर आ चुके हैं। हल्क सॉरी। अबे क्या हो गया तेरे को? हल्क तुमको अकेले छोड़ के आया। अरे हल्क इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम छोड़ के नहीं आए थे, फ्रैंकलिन भैया ने तुम्हें जाने के लिए कहा था। भाई साहब यार सबसे बड़ी गलती हो गई मेरी वहाँ पर। कोई नहीं, अभी तो तुम ठीक हो ना? अरे हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। फ्रैंकलिन उस अंडे का कुछ पता चला? अंडा तो पेनीवाइज के पास है, पर उसको जगाने के लिए 3 ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी। 3 ड्रैगन? अब ये कहाँ से आ गए? मुझे नहीं पता, मुझे भी टोनी ने बताया। अरे मुझे वहीं से पता चला जहाँ पर गिदोरा का अंडा रखा था। इसका मतलब कि पेनीवाइज वो ड्रैगन लेने गया होगा, या तो गया होगा या तो जाने वाला होगा। फिर तो अपने को भी कुछ करना पड़ेगा ना, हमें टीम में डिवाइड होना पड़ेगा। टीम 1 में मैं और फ्रैंकलिन रहेंगे, टीम 2 में हल्क और शिनचैन, टीम 3 में थॉर और उसके साथ कोई भी चला जाएगा। अरे हम तब लोग इतने धोखे क्यों है? क्योंकि बॉस आने वाले हैं। अपना मुंह बंद रख सिलेंडर मैन। अरे पल मैं तो कुछ बोला भी नहीं। इतने टाइम हो गए बॉस को देखे, अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। अरे तब आइंदे, अब तो मेरे पैर भी दुख ले। अबे बेवकूफ अपना मुंह बंद रख। बॉस आ गए, कैसे हो मेरे शैतानी राक्षसो? हम सब ठीक है बॉस। तुमने हमें निराश किया है, हमें माफ कर देना, पर इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे। अले बहुत इसकी बात मत मानना, ये एक नंबर का बोल बत्तन है। पेनीवाइज मैंने तुम्हें कहा था इसे मुंह बंद रखने के लिए कहना। अले मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, हमें बस वो 3 ड्रैगन ढूंढने हैं। मैं साइरन हेड और सिलेंडर मैन अलग अलग जाके वो तीनों ड्रैगन ले आएंगे। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। गाइस यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पता नहीं ये पेनीवाइज आगे क्या करने वाला है। पक्का इस पेनीवाइज के पीछे किसी ना किसी का तो हाथ है, नहीं तो ये इतना नहीं उछलता। हमें तो पता भी नहीं है कि 3 ड्रैगन कहां पर है। अरे फ्रैंकलिन भैया इसे चक्कर क्यों काट रहे हो? आपको देख के मुझे भी चक्कर आ जाएंगे। फ्रैंकलिन इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो 3 ड्रैगन कहां पर है, हमें बस भूतिया पार्टी से पहले वहां पर पहुंचना होगा। अरे पर हमें नहीं पता वो 3 ड्रैगन कितने खतरनाक होंगे। थॉर वो ड्रैगन खतरनाक नहीं है, देवताओं ने उन तीनों ड्रैगन को इसलिए बनाया था ताकि वो गिदोरा को जगा सके, पर जैसे उन्हें पता चला कि गिदोरा सृष्टि का विनाश कर सकता है तो उन्होंने उन ड्रैगन्स को अलग अलग जगह पे भेज दिया ताकि वो ड्रैगन किसी के हाथ ना लग सके। अरे पर अगर उनके हाथ में वो 3 ड्रैगन लग गए तो हमको तो ये भी नहीं पता कि हम कामयाब होंगे भी या नहीं। अरे आप टेंशन मत लो, हम करके दिखाएंगे, वैसे भी हम पेनीवाइज की टीम से ज्यादा ताकतवर है। होप करता हूं भाई यही हो। तो गाइस यार आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। फ्रैंकलिन हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा इससे पहले कि काफी देर हो जाए, तो सब लोग अपने अपने टीम में बट जाओ। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग 3 टीम में जाने वाले हैं ड्रैगन्स को ढूंढने के लिए ताकि हम जल्दी से जल्दी ड्रैगन्स को ढूंढ सके। टीम ए जाएगी आइस ड्रैगन को ढूंढने के लिए जिसमें मैं और आयरन मैन होंगे, टीम 2 जाएगी नेचर ड्रैगन को ढूंढने के लिए जिसमें थॉर और वांडा है, और टीम 3 जाएगी न्यूक्लियर ड्रैगन को ढूंढने के लिए जिसमें होंगे हल्क और शिनचैन। तो यार तुम लोग तैयार हो? क्योंकि हमें भूतिया पार्टी से पहले वहां पर पहुंचना होगा, नहीं तो सबका सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे हमें है दम, हम किसी से नहीं कम। थॉर, वांडा, शिनचैन और हल्क, याद रखना कि ये मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो भूतिया पार्टी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो अपना अपना ध्यान रखना। अरे फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, हम लोग कर लेंगे। तो फिर हम भी यहाँ से निकलते हैं। हाँ हाँ फ्रैंकलिन जल्दी से चलो। तो गाइस निकलते हैं फटाफट, अब हमारे भी निकलने का समय हो चुका है। हल्क मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, शिनचैन का ध्यान रखना क्योंकि आगे बहुत रुकावटें आ सकती है। हल्क सब संभाल लेगा, हल्क बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे तुम पे पूरा भरोसा हल्क। अरे थॉर जल्दी से चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ वांडा जल्दी से चलो आ जाओ। अब हम भी चलते हैं, सब लोग जा चुके हैं शिनचैन। अरे पर हम कैसे जाएंगे, हमें तो किसी ने गाड़ी भी नहीं दी। हल्क के होते हुए गाड़ी की क्या जरूरत? अरे वह क्या बात है, आज मैं पहली बार हल्की राइड करूंगा। संभाल के बैठना शिनचैन, ये हम चले। तुम सबको पता है कि क्या करना है, बस हमको निराश मत करना। हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, बस हम पे आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अले पल मेरे मन में एक डाउट है, अगर हम लोग नहीं कर पाए तो? ये तुम क्या बोल रहे हो मूर्ख, हमारे आहार की कोई माफी नहीं है। बॉस आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, अगर इन लोग से कोई भूल हुई तो मैं खुद इन्हें सजा दूंगा। तो जाओ और दिखा दो कि काली शक्तियाँ ही दुनिया पे राज करेगी और सबको हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। जी बॉस फिर हम लोग चलते हैं।
जीत के ही आना, शैतान अमर रहे। शैतान अमर रहे। और तुम जाके उन अवेंजर को देखो, क्योंकि हमें इन तीनों पे पूरा भरोसा नहीं है। जी मालिक, आपका हुक्म सर आँखों पर, हमें आज्ञा दो, जाओ और खत्म कर दो सबको। शैतान अमर रहे, शैतान अमर रहे। वाह क्या बात है, आखिर में मैं पहुँच ही गया। मुझे लगता है ये अवेंजर भी पहुँचने वाले होंगे, पर वो ड्रैगन तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि यहाँ का रक्षक ही उन्हें रोक लेगा। जल्दी से जाता हूँ और उस रक्षक को अपने कब्जे में कर लेता हूँ, ताकि जो भी मेरे रुकावट का रास्ता बने वो मारा जाए। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हें ताकत देने आया हूँ। पर तुम मुझे ताकत क्यों दोगे? ताकि तुम उन सबको मार दो जो मेरे और ड्रैगन के बीच की रुकावट बने। ये तुम्हारी भूल है, ना ही वो ड्रैगन को हासिल कर सकते हैं, ना ही तुम। मैं किसी को ऐसा करने नहीं दूंगा। पर तुम अभी मेरे गुलाम हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा जरूर होगा। हे काली शक्तियों के देवता, मुझे इसे अपने वश में करने की ताकत दो, ताकि ये भी आपके प्लान को कामयाब कराने में मेरी मदद कर सके। जी मालिक, बताइए क्या हुक्म है? तुम बस यहाँ पर मेरे सिवा जो भी आए उन्हें मार देना। मेरे सिवा ड्रैगन तक कोई नहीं पहुँचना चाहिए। अब तो कोई नहीं पहुँचेगा मालिक, मैं किसी को ऐसा करने नहीं दूंगा। अब जल्दी से जाके उस ड्रैगन को अपने कब्जे में कर लेता हूँ, ताकि बॉस मुझसे खुश हो जाए। अबे यार कितना दूर है, पता नहीं कब पहुंचेंगे। फ्रैंकलिन मुझे लगता है हम पहुंचने ही वाले हैं। तैयार रहना, क्योंकि अगर पेनीवाइज हमसे पहले पहुंच गया होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। अब तो जो होगा ना देखा जाएगा। तो गाइज यार आप लोग भी फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे का एडवेंचर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस कैसे भी करके वो ड्रैगन हमारे हाथ में लग जाए, उसके बाद सबसे पहले जाके वो गिदोरा का अंडा ले आएंगे, क्योंकि जब तक वो पेनीवाइज के हाथ में रहेगा हमारे लिए मुश्किल बढ़ते ही रहेगी। मुझे तो बस है ना इस पेनीवाइज को मजा चकाना है। इस बार तो उसने सारी की सारी हदें पार कर दी है। फ्रैंकलिन मुझे लगता है यही वाला रास्ता है, सीधे चलाते रहो। अबे यार एक तो इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम दोनों इधर ही लटक जाएंगे। तुम सही कह रहे हो, थोड़ा आगे जाने के बाद हम गाड़ी वहीं पे रोक देंगे और वहां से आगे हम पैदल जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी से चलते हैं। अरे यहीं पर रुको, सामने कोई तो है। मुझे लगता है ना इसको पता होगा कि ड्रैगन कहां पर है, इसको ही जाके पूछते। संभल के जाना, क्योंकि अभी तक हमें इस जगह का कुछ भी नहीं पता। तुम यहां पर क्या करने आए हो? दरअसल हम लोग यहां पर वो आइस ड्रैगन को ढूंढने आए। वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, उस पे सिर्फ मेरे मालिक का हक है। तुम तो मुझे यहाँ के रक्षक लगते हो, तुम्हारा मालिक कौन हो सकता है? मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देने वाला, मैं सिर्फ मेरे मालिक का गुलाम हूँ। फ्रैंकलिन मुझे लगता है पेनीवाइज यहाँ पर हमसे पहले पहुँच गया और उसने आते ही इसे अपने कब्जे में कर लिया। अबे यार ये क्या मुसीबत है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसे हराए बिना हम आगे नहीं जा सकते। अबे यार जरा इस कांटे वाले भालू को देखो तो सही, इसको मैं कैसे हराऊंगा? फ्रैंकलिन तुम पीछे हट जाओ, इसे तो मैं देख लूंगा। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि टोनी इस मॉन्स्टर को हराए तो जल्दी से लाइक कर दो। तुम बस खुद को बचाए रखना, क्योंकि ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो गाइज यार जल्दी से जाके कहीं पे छुप जाते हैं। मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर अब तुम पे शैतान का कब्जा है। अब ये कहाँ पर चला गया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम तो गए मेरे हाथ से। गाइज यार ये रक्षक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यार ये क्या हो रहा है, टोनी फिलहाल बचने पे ध्यान दे। फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, मैं इसे हरा के ही मानूंगा। ये ले मेरी लेजर, मेरे लिए वो ड्रैगन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी उसके बीच में आएगा मारा जाएगा। अबे यार गाइज ये मॉन्स्टर क्या इधर से उधर होते ही जा रहा है। एक तो इसके हाथ में ब्लेड इतनी खतरनाक है ना, मुझे लगता तो ऐसे नहीं मानेगा। ये ले गाइस यार आयरन मैन अपनी पूरी पावर यूज कर रहा है पर इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मुझे लगता है मुझे भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मैं इसको मिसाइल से मारने की ट्राई कर रहा हूँ, ताकि इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो और तुम इसे मार पाओ। ऐसा मत करो, तुम्हें खतरा हो सकता है। तुमको कुछ हो गया तो वैसे भी खतरा ही है ना। अरे यार ये क्या हो गया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये तो गया मेरे हाथ से। अबे यार मैं इसको मारने आया था, ये तो मेरे को ही मार रहा है। ये क्या हो गया फ्रैंकलिन को, अब तो ये मेरे हाथ से गया। ये ले तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। अबे यार पता नहीं कौन से मिट्टी का बना, इसको तो कुछ होता ही नहीं है। तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हें तो मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। गाइस यार ये तो मारते ही जा रहा है, ये तुम्हारा अंत है और ये तुम्हारी गलतफहमी, तुम्हारे तो मैं टुकड़े कर दूंगा। गाइस यार बस एक बार इसके हाथ से बच जाए फिर इसको बताता हूँ, अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ये ले, वाह यार गाइस क्या उड़ के गया, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। जल्दी से कर दो, एक बार अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ। मुझे लगता है मैंने इसे बेहोश कर दिया है, इसे हराना तो बहुत ही मुश्किल था। जल्दी से जाता हूँ फ्रैंकलिन के पास, पता नहीं उसको क्या हो गया है। गाइस मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन बेहोश हो गया है। फ्रैंकलिन जल्दी से उठो, ये वक्त हार मारने का नहीं है। भाई साहब यार क्या जोर की लगी थी, अबे वो कहाँ पर गया, हार गया क्या? वो हारा नहीं है, खाली बेहोश हुआ है। इससे पहले कि वो वापस से जाग जाए हमें फटाफट से ड्रैगन के पास
जाना होगा। तो फिर चलते हैं फटाफट ड्रैगन के पास, जल्दी भागो फ्रैंकलिन। बस यार पहुंचने ही वाले हैं, तो गाइस फटाफट से अंदर जाते हैं। गाइस यार मुझे लगता है मुझे ड्रैगन दिख चुका है। फ्रैंकलिन फटाफट, मुझे लगता है ड्रैगन हमारे सामने ही है। अरे ये तो पेनीवाइज है। आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अरे पर तुम हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? ताकि मैं इस ड्रैगन को तुम्हारे आंखों के सामने से लेके जाऊं और तुम कुछ ना कर पाओ। मैं तुम्हारी लाचारी देखना चाहता हूँ। तुझे तो है ना मैं एक दिन छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना बाद में, पहले पकड़ के तो दिखा। एक बार बस हाथ में आ जा, फिर बताता हूँ तुझे। पेनीवाइज उस ड्रैगन को छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रहे हो। अगर गिदोरा जाग गया तो कोई नहीं बचेगा। यही तो मैं चाहता हूँ, शैतान की जय हो। अबे यार ये तो वापस से गायब हो गया। फ्रैंकलिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, एक ड्रैगन उनके हाथ लग चुका है। अब सिर्फ दो ड्रैगन बचे हैं, उनमें से पता नहीं अपने हाथ कितने लगेंगे। मैं तो बोलता हूँ यहाँ से निकलते और दूसरों की मदद के लिए पहुँचते, इससे पहले कि पेनीवाइज के हाथ में बाकी के ड्रैगन भी लगे। तुम सही कह रहे हो फ्रैंकलिन, जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस यार निकलते यहाँ से फटाफट। अरे ये कहाँ पर लेके आ गए तुम? सामने तो जंगल है। ये खाली जंगल नहीं है, लोग इसे जादुई और खौफनाक जंगल कहते हैं। तो फिर हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? कहीं और से भी तो जा सकते हैं ना। हमें यहाँ से नहीं जाना, हमें यहाँ पर ही जाना है, क्योंकि वो ड्रैगन यहीं पे रहकर जंगल की ताकत बढ़ाता है। वो हमें इसी जंगल में मिलेगा। अरे ये कोहरा तो बढ़ते ही जा रहा है। तुम सही कह रही हो, हमें जल्दी से उस ड्रैगन को ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि रात हो जाए। अरे पर मुझे तो खुद ही डर लग रहा है, कहीं हम इस जंगल में ना भटक जाए। डरो मत वांडा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे मुझे वहाँ पर कोई दिखाई दिया, वहाँ पर कोई तो था। दिखाई तो मुझे भी दिया, मुझे लगता है यहाँ पर एक से ज्यादा जन है। अरे मुझे लगता है ये लोग यहीं पे रहते होंगे, इनसे ही जाके पूछते हैं। अरे ये सब तो मुझे लाशें लग रही है, पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ था। ये सामने जो खड़ा इससे जाके पूछता हूँ, मुझे लगता है इसको पता होगा। भाई साहब आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था और ये लाशें किसकी है? और ये लाशें तो मेरे और मेरे साथियों की है। क्या बात कर रहे हो? हाँ अभी तुम जिससे बात कर रहे हो वो एक आत्मा है, हमें हमारे शरीर से अलग किया गया। किसने किया ये सब? पता नहीं कोई अजीब सा जीव आया था, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो भी उसके सामने आया उसने सबको मार दिया। अरे मुझे लगता है ना पक्का भूतिया पार्टी से कोई होगा। आप हमें बता सकते हो वो किस समय यहाँ पर आया था? अरे वो दिन के समय में आया था। आज तो वो ड्रैगन मैं लेके ही जाऊंगा, जो भी मेरे बीच में आएगा सबको मार दूंगा। ये ले, आज कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। जब मालिक को पता चलेगा कि ये काम मैंने अकेले किया तब वो बहुत खुश होंगे। देखता क्या है बे हरे सेंटा क्लॉस, ये ले सबको खत्म कर दूंगा मैं। ये ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अरे दूर हो जाओ उस ड्रैगन से। अच्छा हुआ तूने बोला, नहीं तो मैं तुझे जिंदा ही छोड़ देता। ये ले अब जल्दी से ड्रैगन के पास जाता हूँ। वाह ये ड्रैगन तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अब ये ड्रैगन उन अवेंजर के बच्चों के हाथ में कभी नहीं लगेगा, इस पे सिर्फ हमारा अधिकार है। शैतान हमेशा अमर रहे। उसके सर पे बहुत सारे भोपू लगे थे और उन भोपूओं के अंदर दांत। अरे वो तो सायरनहेड होगा। हाँ वो सायरनहेड ही है। वो हमारे नेचर ड्रैगन को लेके गया। अगर उस ड्रैगन को जल्दी से यहाँ पर नहीं लाया गया तो ये जंगल अपने आप बर्बाद हो जाएगा और हमारे बाकी के साथियों का घर उजड़ जाएगा। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, भूतिया पार्टी के हाथ में नेचर ड्रैगन लग गया। मुझे जल्दी से ये बात टोनी को बतानी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ जल्दी से चलते हैं, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ कि उनको ड्रैगन मिल गए हो। अरे हल्क हम कब पहुँचेंगे? टोनी ने तो यही पे कहा था, पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये देखो आज तो चांद भी पूरा निकला है, इसका मतलब आज अमावस की रात है। तुम्हें पता है आज की रात बहुत सारे भूत घूमते हैं। हल्क को बहुत डर लगता भूतों से, हल्क को डराओ मत। अच्छा वैसे हल्क एक बात तो बताओ, तुम कौन से कंपनी की चड्डी पहनते हो? हल्क को पता नहीं। अच्छा फिर अपने चड्डी का साइज तो बताओ। हल्क को वो भी पता नहीं। अरे तो फिर तुम चड्डी खरीदते कैसे हो? हल्क के पास एक ही चड्डी, हल्क वही पहनता हमेशा। वैसे वो ड्रैगन कितना बड़ा होगा? पता नहीं, हल्क ने कभी नहीं देखा। अरे तो फिर तुमको पता क्या है? गाइस आपको क्या लगता है वो ड्रैगन अच्छा होगा कि बुरा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। शिनचैन सामने छोटा भूत। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि अमावस की रात को भूत आते हैं। भाग जाओ भूत, नहीं तो हल्क बहुत मारेगा। मैं कोई भूत नहीं, मेरा नाम तो मैक्स है और मैं यहाँ पर भटकने वाले लोगों की मदद करता हूँ। हम यहाँ के ही रहवासी है। अच्छा इसका मतलब तुम एक टूरिस्ट गाइड हो ना? मैं कोई टूरिस्ट गाइड नहीं, हम जैसे लोग यहाँ पर मदद करने के लिए ही पैदा होते हैं। जैसे जैसे हम लोगों की मदद करते हैं हमारी उम्र बढ़ते जाती है। तुम इतने छोटे कैसे? हल्क का हाथ भी तुमसे बड़ा। हमारी साइज इतनी ही होती है। वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अरे हम तो यहाँ पर एक ड्रैगन को लेने आए हैं। कौन सा ड्रैगन? अरे उसका नाम एक न्यूक्लियर ड्रैगन है। तुम उस ड्रैगन का क्या करोगे? वो तो बहुत ही खतरनाक है। अरे हमें दुनिया को बचाने के लिए उस ड्रैगन की जरूरत है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है हम पे। क्या तुमको पता वो कहाँ मिलेगा? वो ड्रैगन तो अभी अर्थ पे नहीं रहता। अरे तो फिर कहाँ पर रहता है? वो तो मुझे नहीं पता। अरे फिर तुम हमारी मदद कैसे करोगे? और अगर मदद नहीं कर पाए तो तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ेगी और तुम मर जाओगे। मुझे तो नहीं पता, पर मैं एक जन को जानता हूँ जिसे पता है। मैं तुम्हें उसके पास लेके जा सकता हूँ, चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है फिर चलो फटाफट। चलो चले मितवा इन ऊंची ऊंची राहों में। अरे तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। और कितना दूर हल्क को गुस्सा आ रहा? अरे ये हरा कलर का भालू तो बहुत गुस्सेल है। मैं भालू नहीं मैं हल्क हूँ। ये देखो हम पहुँचने वाले है। अरे यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई मिलेगा जो ड्रैगन के बारे में बताएगा। वो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा।
मिलेगा, पर इसके आगे मैं नहीं आ सकता। मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने का वादा किया था जो मैंने पूरा कर दिया। अच्छा ठीक है, पर तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, शुक्रिया मेरी उम्र बढ़ाने के लिए, मैं चलता हूँ। अरे मैक्स मिलते रहना। अरे ये तो चला गया, अभी हमें भी अंदर चलना चाहिए, जल्दी से चलो ना हल्क। रुको रुको शिनचैन, हल्क भी आ रहा है। आखिर मैं पहुँच ही गया, अब कोई एवेंजर मेरे हाथ से नहीं बचेगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। अरे पर तुम हो कौन? मैं तुम सबका काल हूँ जो तुम्हारी मौत बन के आया है। चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारा अंत नजदीक है, घुटने टेको हमारे सामने। तुम जैसे लोगों को हराने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। जल्दी ही इस दुनिया पर हमारे बॉस का राज होगा और तुम जैसे लोगों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये सांबर बेसिंग ना भैसा, ज्यादा ना बोला है नहीं तो मारी मारी ने तारो भूको करी दिसमु। ये तुम क्या बोल रहे हो? आ तारे समझने ऊपर नी बात छे। मुझे लगता है अभी तक तुम्हें काली शक्तियों का अंदेशा नहीं है। अरे हल्क ये तो बहुत ही पुरानी जगह लग रही है, पता नहीं अंदर क्या होगा। जो भी होगा हल्क सब संभाल लेगा। अरे हल्क वो देखो सामने क्या है। अरे ये क्या चमक रहा है? अरे वहाँ पर एक अंकल खड़े हैं, उनसे जाके पूछते हैं। हाँ चलो शिनचैन। अरे अंकल आप कौन हो? तुम यहाँ पर आए हो, तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ का रास्ता तुम्हें किसने बताया? अरे हमें तो यहाँ तक मैक्स लेके आया था। ये मैक्स कौन है? ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम हमारी मदद करोगे या नहीं? कैसी मदद? अरे यहाँ पर हम एक ड्रैगन को ढूंढने आए हैं जिसका नाम न्यूक्लियर ड्रैगन है। वो ड्रैगन अब इस दुनिया में नहीं रहता। अरे तो फिर कहाँ पर रहते हैं? हमें वहाँ का एड्रेस दो ना, हम चले जाएंगे। वहाँ का कोई एड्रेस नहीं है क्योंकि वो जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहाँ पर तुम बिना पोर्टल के नहीं जा सकते जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो। अरे मुझे तो लगा था ये सिर्फ एक शोपीस है। ये कोई शोपीस नहीं है, इसे न्यूक्लियर ड्रैगन ने खुद बनाया था ताकि वो ये दुनिया छोड़ के हमेशा के लिए जा सके। अरे हेल्प फिर तो हमारा आके कोई मतलब ही नहीं हुआ, वो तो यहाँ से जा चुके हैं। ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारी नियति तुम्हें यहाँ तक लेके आई है तो तुम जरूर कामयाब होगे। अरे अब ये नियति कौन है, जरा मुझे फोन नंबर तो देना। नियति से मेरा मतलब लड़की नहीं था, तुम अपनी किस्मत समझ लो। तो फिर हमें पोर्टल में जाने दो। मैं यहाँ का रखवाला हूँ और बिना मेरी इजाजत के कोई पोर्टल में नहीं दाखिल हो सकता। अरे तो फिर हमें इजाजत दे दो ना। उसके लिए तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा और अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। अगर तुमने मुझे हरा लिया इसका मतलब ये होगा कि तुम काबिल हो, फिर तुम इस पोर्टल में जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हल्क लड़ेगा तुमसे। अरे बागा इसके बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। तैयार हो जाओ, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। आ जाओ, हल्क तैयार है। अरे हल्क बच के वो आ रहा है। हल्क ने देखा ही नहीं, इसलिए बोलता हूँ चारों बाजू ध्यान रखा करो। अब मार खाना बंद करो, जल्दी से उठो। हल्क उठ गया, अब हल्क किसको बताएगा? मेरे पास न्यूक्लियर ड्रैगन की दी हुई शक्तियाँ है, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। हल्क किसी से नहीं डरता, हल्क सबसे ताकतवर। ये ले, ये भी ले। हल्क तुझे छोड़ेगा नहीं। क्यों लग गई ना वाट, ये ले लात खा। मानना पड़ेगा तुम्हें बहुत ताकत है, पर ये लो तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। अरे हल्क इसकी ताकत तो लाजवाब है, इससे जरा बच के ही रहना। ये लो मेरा सुपर पंच। तुमने हल्क को मारा, हल्क तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अपनी ताकत लगाओ और अपनी काबिलियत साबित करो। एक बार उठने दो, हल्क तुम्हें बताता है। ये लो, तुम तो गए मेरे हाथ से, तुम अभी हल्क की ताकत जानते नहीं हो। अरे वाह हल्क क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हल्क हमेशा कमाल करता, हल्क इसकी पुंगी बजा देगा। तुम्हें इतनी ताकत अचानक कैसे आ गई? हल्क को गुस्सा आता, हल्क की पावर बढ़ती। इसका मतलब तुम कोई आम इंसान नहीं हो। अरे हमारा हल्क तो एक सुपर हीरो है, सुपर हीरो। हाँ तो देखो तुम्हारा सुपर हीरो कैसे मार खाता है। ये लो ये लो। हल्क को और गुस्सा आ रहा, हल्क की ताकत और बढ़ रही, हल्क से कंट्रोल नहीं हो रहा, हल्क बहुत मारेगा। ये ले ये ले। अरे इसकी पावर तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, देखते हैं तुम कितने काबिल हो, मुझे हरा पाते हो या नहीं। हल्क किसी को भी हरा सकता, हल्क में बहुत पावर। अरे हल्क मैं तो बोलता हूँ घुमा घुमा के फेंको, इसकी तो सारी हड्डियाँ तोड़ देना आज। हड्डियाँ तो आज हल्क की टूटेगी, हल्क ने गलत पंगा ले लिया है। मुझसे लड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अरे हल्क मैं तो बोलता हूँ इसके पीछे का पर्दा पकड़ के फाड़ दो। ये हल्क के हाथ में आ गया है, अब मरेगा। ये ले, देखा हल्क से पंगा लेने का नतीजा। अरे हल्क ये तुमने क्या कर दिया, कहीं ये मर तो नहीं गया ना? हल्क को पता नहीं, हल्क को गुस्सा आ गया था। अरे रखवाले भैया जल्दी से उठो, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे, अभी मरियल माफी क्यों पड़े हो? ऐसा करोगे तो खुद को रखवाला कैसे बोलोगे, जल्दी से उठो। अरे यार तुम में तो सच्ची में बहुत ताकत है, मैं मान गया कि तुम इसके काबिल हो। अरे वो तो हम बचपन से ही है। बच्चे तुम अभी भी बचपन में ही हो। अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा। अच्छा रखवाले भैया एक बात तो बताओ, वो ड्रैगन कौन से डायमेंशन में गए है? न्यूक्लियर ड्रैगन माइनक्राफ्ट के डायमेंशन में चले गए है, और वहाँ पर वो एल्डर ड्रैगन के नाम से जाने जाते हैं। अरे वाह क्या बात है। शिनचैन जल्दी जल्दी चलो, संभल के रहना, माइनक्राफ्ट की दुनिया इस दुनिया जैसी नहीं है, वो बहुत ही अलग है। अरे कोई बात नहीं, हम भी तो बहुत अलग है। हाँ खैर वो बात तो है, चलो गाइस फिर जल्दी से चलते हैं। वाह क्या बात है, आखिर में ये दोनों ड्रैगन हमारे पास है। मैंने तो इस ड्रैगन के लिए पूरे जंगल को उथल पुथल कर दिया, जितने लोग सामने आए सबको मार दिया है, इससे हमारा खौफ भी बना रहेगा और अवेंजर के हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैं तो इस ड्रैगन को अवेंजर के सामने से उठा लाया और वो लोग बस देखते रह गए, इससे ज्यादा मजा मुझे आज तक नहीं आया। अब बॉस हमसे बहुत खुश होंगे, बॉस के आते ही हम ये विधि शुरू कर देंगे और ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद दुनिया में हमसे ताकतवर कोई नहीं होगा, सबको बॉस की जय जयकार करनी पड़ेगी और दुनिया में सिर्फ अंधकार ही अंधकार होगा। हम ये विधि कब शुरू करेंगे? जब तक सारे एलिमेंट हमारे पास नहीं
ही आ जाते। दो ड्रैगन तो हमारे पास आ गए हैं, बस एक की कमी है। पता नहीं बॉस के आने से पहले वो हमारे पास आएगा या नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूँ। पता नहीं ये सिलेंडर मैन का बच्चा कहाँ पर रह गया। अरे बापले, ये लोग तो इसके अंदर गए और गायब हो गए। अब इसके अंदर जाने के लिए मेरे को भी इसको हलाना पड़ेगा। मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। इसको हलाने जाऊंगा तो भी माल खाऊंगा और अगर खाली हाथ गया तो उधर बहुत भी मालेंगे। क्या तलु कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी तो तोड़ता हूँ या नौकली थोल दू, पर मेरे को तो इसके सिवा कुछ आता भी नहीं है। हे तैतान, प्लीज मेरी मदद कर।